Good morning, everybody. मजे में? सब ठीक? चलो आइए, आज के इस सेशन में, आज के लेक्चर में बेसिकली हम आपको इंट्रोडक्शन ही करवाएंगे. आज कोई एक्ट स्टार्ट नहीं होना है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो सीए और सीएमए के स्टूडेंट को जाननी चाहिए, क्योंकि उनका कंसर्न होता है. देखो जी, मैं पढ़ाऊंगा टैक्सेशन, और ये टैक्सेशन बेसिकली सीएमए भी है, सीए इंटर में और सीएमए में भी है, ग्रुप वन में. अब टैक्सेशन एज यू नो कि इसके दो पार्ट हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये दोनों के दोनों पोर्शन सीएमए भी है, सीए इंटर में भी है और सीएमए इंटर में भी है. क्लासेस दोनों के पर्पज से है. कई बार मैं सीए वर्ड यूज करूंगा, कई जगह मैं सीएमए यूज करूंगा, कई जगह मैं शायद दोनों में से कुछ भी यूज न कर पाऊं, लेकिन आप यही समझेंगे कि ये क्लास दोनों के पर्पज से है, सीए एंड सीएमए फॉर बोथ पर्पसेस. अभी जो डायरेक्ट टैक्स है, ये सीए इंटर में सिक्सटी मार्क्स का है, जबकि यही डायरेक्ट टैक्स सीएमए इंटर में 100 मार्क्स का है. अब आप बोलोगे सर क्या दोनों के सिलेबस एक जैसे हैं? ऑलमोस्ट. जब आपको ये वाला सिलेबस यहां पढ़ाया जाएगा तो ये सीएमए के 85% पोर्शन को कवर करता है. सीए इंटर का सिलेबस सीएमए इंटर के सिलेबस को 85% नंबर तक, मार्क्स तक कवर करता है. ठीक है, दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्स है. ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये सीए इंटर में 40 मार्क्स का है और सीएमए इंटर में ग्रुप टू में, ये ग्रुप वन है और ये ग्रुप टू है, ग्रुप टू में जहां सिलेबस दो पार्ट में है, एक है जीएसटी और दूसरा है कस्टम्स एक्ट. तो ये वाली जो 40 मार्क्स है ये यहां के सिलेबस को 85% कवर करता है रफली. तो जो बच्चे सीएमए के हैं उनके लिए इस क्लास के अलावा 15% एडिशनल क्लास अलग से करवाई जाएगी और इनडायरेक्ट टैक्स में इस जीएसटी के अलावा, सीए इंटर की जीएसटी के अलावा 15% जीएसटी और 100% कस्टम अलग से करवाया जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मेरे दोनों बच्चों जरा ध्यान दें, आप चाहे सीए इंटर के हों चाहे सीएमए इंटर के हों, आप दोनों के लिए ये सब्जेक्ट, ये सिलेबस, ये कंटेंट कॉमन है. जो डिफरेंसेज हैं वो आपको सप्लीमेंट किया जाएगा, सिर्फ सप्लीमेंट किया जाएगा सीएमए के स्टूडेंट को, क्योंकि सीए के स्टूडेंट का ये 100% सिलेबस कवर हो रहा है. तो किसी ना किसी को तो मुझे बेस बनाना ही था, या तो इधर से बेस बनाए चाहे इधर से बेस बनाए, राइट? तो हमने सीए इंटर को बेस बना करके जो एडिशनल टॉपिक्स हैं वो सीएमए को अलग से प्रोवाइड किया जाएगा. आइए अब हम बात करें सीए इंटर में
जो ये डायरेक्ट टैक्स है और आईडीटी, यहां डायरेक्ट टैक्स का मतलब इनकम टैक्स से है, आगे चलकर आपको मैं क्लियर कर दूंगा क्यों है इसका नाम इनकम टैक्स, और इसका मतलब है जीएसटी। सी एंटर में ये 30% एमसीक्यू है और 70% सब्जेक्टिव है, ठीक है। अब ये कितने नंबर का है सर? तो ये 60 मार्क्स का है, 60 मार्क्स का 30% मतलब 18 मार्क्स एमसीक्यू है, और 60 मार्क्स का 70% मतलब 42 मार्क्स सब्जेक्टिव है। सिमिलरली आपका ये जीएसटी जो कि 40 मार्क्स का है, इसका 30% एमसीक्यू है, 70% सब्जेक्टिव यानी न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल है, ये हो गए 12 मार्क्स और ये हो गए आपके 28 मार्क्स। सीए इंटर में तो कैसे? सीएमए इंटर में भी एमसीक्यू है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है टैक्सेशन, तो सर टैक्स क्या है, आइए इसके ऊपर हम लोग डिटेल चर्चा करते हैं, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट है सीए इंटरमीडिएट में, उसका नाम है टैक्सेशन और ये 100 मार्क्स का है, जिसके दो पार्ट हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स का पोर्शन। और डायरेक्ट टैक्स में आपका जो सब्जेक्ट है कवर हो रहा है वो है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में है जीएसटी। टैक्सेशन 100 मार्क्स, दो पार्ट आपके सिलेबस के हिसाब से, इनकम टैक्स एंड जीएसटी। ये जो इनकम टैक्स का पेपर है सीए इंटर में फोर्थ सब्जेक्ट है, ये फोर्थ सब्जेक्ट इंटरमीडिएट ग्रुप वन का फोर्थ सब्जेक्ट है, ये फोर्थ सब्जेक्ट है ग्रुप वन का। टैक्सेशन 100 मार्क्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में 60 मार्क्स की कवरेज है, इन मार्क्स जो अलॉट किए गए हैं इनकम टैक्स के पोर्शन को 60 और जीएसटी को किए गए हैं 40। और ये दोनों ही सब्जेक्ट में, इनकम टैक्स और जीएसटी में, आपको एमसीक्यू दिया गया है 30%, यानी इसका 30% 60 का 30% होता है 18 मार्क्स, और 18 मार्क्स एमसीक्यू है। आपको चॉइस दी जाएंगी, क्वेश्चन होगा ए बी सी डी, उसमें से कोई चुन लो, या फिर छोटा सा एक केस स्टडी बना देंगे, उसमें ए बी सी डी चार क्वेश्चन दे देंगे, एक एक नंबर, दो दो नंबर, डेटेड नंबर करके, इस तरह से वो 18 मार्क्स का आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। वो ऑब्जेक्टिव आप पूरे सब्जेक्ट को लर्न करने के बाद कैपेबल होंगे कि आप उसको हैंडल कर सके। दूसरी तरफ जीएसटी है, जीएसटी में भी 30% एमसीक्यू है, यानी कि यह है 12 मार्क्स। मैं एमसीक्यू लिख रहा हूं लेकिन एमसीक्यू में आपका केस स्टडी भी इंक्लूड है, ठीक है। अच्छा, तो ये है आपके सब्जेक्ट के मार्क्स का डिवीजन। क्या ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है? नहीं। तो क्या ये प्रैक्टिकल है? तो भी नहीं। ये कॉम्बिनेशन है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके तभी सॉल्व होंगे जब आपकी थ्योरी पूरी तरह से कवर होगी। एग्जाम का ओरिएंटेशन क्या होगा? एग्जाम में ये पेपर 3/4 पोर्शन, ऑलमोस्ट मोर देन 3/4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे। लेकिन आप अगर ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ प्रैक्टिकल पे ही फोकस करना है, तो आपसे वो प्रैक्टिकल तभी बन पाएगा जब आप 100% थ्योरी कवर करोगे। थ्योरी हेयर मींस प्रोविजन, प्रोविजन जो है
वो आपको अच्छी तरह से समझने होंगे, उसके बेस पर आप क्वेश्चन करेंगे। तो ये तो है आपका सब्जेक्ट का मार्क्स ब्रेकअप और इसके स्ट्रक्चर। अब आप आइए आगे कि ये जो सब्जेक्ट है टैक्सेशन, इसमें तीन अल्फाबेट शुरू के हैं टैक्स के, टी ए एक्स। सर ये टैक्स क्या होता है, व्हाट इज दिस, ये आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस। तो टैक्स एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, दिस इज ए कॉन्ट्रीब्यूशन। कंपल्सरी है या ऑप्शनल या वॉलेंट्री, ये कंपल्सरी है। अगर आप टैक्स के प्रोविजन के नेट के अंदर आ गए तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है टैक्स पे करने के अलावा। सर वो टैक्स का नेट क्या है, कि मैं कैसे जान पाऊंगा कि मैं टैक्स के नेट के अंदर आ गया हूं, तो उसके लिए हम लोग इनकम टैक्स में देखेंगे कि हु इज द पर्सन लायबल टू पे इनकम टैक्स। हम जीएसटी में देखेंगे हु इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी, वो हम लोग क्राइटेरिया बाद में चेक करेंगे। लेकिन एक बात आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, वंस यू आर विद इन द नेट ऑफ टैक्स लॉ, यू आर लायबल टू पे टैक्स, नॉट वॉलेंटरीली बट कंपल्सरीली। ठीक है सर, हम ये कंपल्सरी है, यानी कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन भी है और ये कंपल्सरी भी है, ये कोई चॉइस नहीं है। ठीक है सर, टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, कंपल्सरी है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन हम टैक्स दे क्यों, व्हाई, व्हाई आई, व्हाई आई शुड पे, व्हाई आई शुड पे टैक्स, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। बहुत आराम से आप एकदम लेमैन की तरह समझे। सर टैक्स एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, वॉलंटरी है, यहां वॉलंटरी नहीं बल्कि कंपल्सरी है, ये तो ठीक है, लेकिन हम पे क्यों करें, हमें क्यों पे करना चाहिए टैक्स। मैं भारत देश का नागरिक हूं, आई एम सिटीजन ऑफ दिस कंट्री ऑफ इंडिया, एंड व्हाई आई शुड पे टैक्स, बिकॉज हमारी कंट्री का जो रेवेन्यू सोर्स है, हमारी सरकार का, हमारी गवर्निंग अथॉरिटी जो गवर्नमेंट है, इस वक्त एनडीए की गवर्नमेंट है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो अभी आपकी कंट्री को हेड कर रहे हैं, अभी एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है, ये गवर्नमेंट पूरे देश को चला रही है, राइट। ठीक है, इसका सेंट्रल स्ट्रक्चर है, स्टेट स्ट्रक्चर, वो बाद में आता हूं मैं। तो ये गवर्नमेंट की जो अपने सोर्स ऑफ इनकम है वो इतने नहीं है कि उस इनकम से आप सभी नागरिकों को पूरी फैसिलिटी दे सके। जैसे गल्फ कंट्री में जाओ, अरबिया वगैरह में, सऊदी अरब वगैरह में, वहां पर टैक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनके अपने जो सोर्स ऑफ इनकम है थ्रू ऑयल वो बहुत ज्यादा है, वहां के नागरिकों को टैक्स पर ज्यादा बर्डन नहीं है। ठीक है, वहां पर इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स जैसी कोई चीज नहीं है। तो जिस कंट्री के पास अपने सोर्स है वो अपने सिटीजन से टैक्स नहीं लेती थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली सभी कोई ना कोई टैक्स लेती है। तो गवर्नमेंट को टैक्स इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट को अपने सिटीजन को कई तरह के फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती है, जैसे एजुकेशन फैसिलिटी, गरीब का बच्चा है पढ़ेगा, देश में लाखों स्कूल हैं सरकारी, और उसमें मतलब लाखों स्कूल में लाखों टीचर्स हैं, सबकी सैलरी कौन दे रहा है, सरकार, एजुकेशन पे खर्च है, ये लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे बन रही हैं, ये गलियों में मोहल्ले में सड़कें बन रही हैं, ये नालियां बन रही हैं, कहां से बन रही है सर, ये तो मिलनी चाहिए, हम हैं क्यों मिलनी चाहिए। आपने अगर इस देश में पैदा हो गया, किसी भी देश में पैदा हो गया, तो एहसान थोड़ी कर दिए, आपकी कोई जिम्मेवारी भी तो है, आपको कोई चीज फ्री में क्यों मिले। तो गवर्नमेंट को एजुकेशन देना है, मेडिकल देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, डिफेंस देना है, लॉ एंड ऑर्डर देना है, एडमिनिस्ट्रेशन देना है, और इन सब के इसको प्रोवाइड करने में खर्च आता है। तो गवर्नमेंट वो खर्च कहां से पूरा करेगी,
गवर्नमेंट की इनकम होनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू होना चाहिए, और वो रेवेन्यू कहां से आएगा? टैक्स से। वो रेवेन्यू आएगा टैक्स से। दैट्स व्हाई यू हैव टू पे टैक्स। अब आप बोलते हो सर मैं तो टैक्स पे करूंगा ही नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। तो अगर आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो आपके कहने से कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आप विद इन फ्रेम हैं, टैक्स के फ्रेम के अंदर हैं, तो आपकी फोटो खींची जाएगी। अब आप सोचोगे मैं बच जाऊं, तो नहीं बचोगे, टैक्स देना ही पड़ेगा। सर मैं तो नहीं दूंगा। तो गवर्नमेंट के पास बहुत तरीके हैं। गवर्नमेंट आपसे बाय फोर्स रिकवर कर सकती है टैक्स, गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, और जरूरत पड़ी तो आप जेल भी जा सकते हैं। ठीक है, आप इससे बच नहीं सकते। ओके, तो व्हाई आई शुड पे टैक्स? जस्ट टू अवेल द फैसिलिटी गिवन बाय द गवर्नमेंट, इन अदर वर्ड्स जस्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट सो दैट दे कैन प्रोवाइड फैसिलिटीज टू अस। फाइन। तो सर टैक्स एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, टैक्स कंपल्सरी है, टैक्स हम इसलिए देते हैं कि गवर्नमेंट अपने खर्चों को मीट कर सके उन सुविधाओं के लिए जो सुविधाएं हम जैसे नागरिकों को दिया जाता है। फाइन। इसके बाद आइए कि टैक्स लेने वाला कौन है, टैक्स देने वाला कौन है। देखो जब टैक्स देने की बात आती है, व्हेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट कि टैक्स हैज टू पे, तो इसमें एक ऐसा बंदा होगा जो टैक्स का गिवर होगा और दूसरा ऐसा होगा जो टैक्स का रिसीवर होगा। करेक्ट। एक टैक्स का गिवर होगा और टैक्स का रिसीवर होगा। सर ये गिवर कौन है? टैक्स का गिवर कौन है और टैक्स का रिसीवर कौन है? बहुत सिंपल में कहा जाए तो मैं यही कहूंगा कि टैक्स का गिवर जिसको हम लोग कहते हैं कर दाता, और इंग्लिश में कहते हैं असेसी। जो टैक्स देता है उसे असेसी कहते हैं, कर दाता, कर देने वाला, टैक्स देने वाला। और दूसरी तरफ जो रिसीवर है वो है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का कोई ना कोई डिपार्टमेंट होगा जो टैक्स आपसे लेता होगा। अब आपके कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर तो टैक्स लेने आते नहीं होंगे, उनके कोई डिपार्टमेंट होता होगा, वो आपसे टैक्स लेता होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं सर? तो इसको हम नाम दे सकते हैं टैक्स अथॉरिटी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कर अधिकारी। हिंदी में अगर आप कहें तो आप कह सकते हैं कर अधिकारी, टैक्स अथॉरिटी। लेकिन जो कॉमन बात निकल के आती है वो ये है कि टैक्स लेने वाली गवर्नमेंट और देने वाला असेसी, और असेसी का मतलब होता है पर्सन, कोई भी व्यक्ति, यानी एक पर्सन टैक्स देगा गवर्नमेंट को। अब अगला सवाल, सर पर्सन टैक्स देगा ये तो समझ में आ रहा है। इफ द पर्सन इज लायबल एज पर द प्रोविजन, एज पर द लॉ ऑफ द कंट्री, देन ही विल हैव टू पे टैक्स च्वाइसलेसली। ये तो क्लियर है। ये पर्सन नेचुरल भी हो सकता है, ये पर्सन आर्टिफिशियल भी हो सकता है, हम बाद में देखेंगे, उसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, अभी हम बहुत इनिशियल स्टेज पर हैं। लेकिन सर हमें गवर्नमेंट के बारे में जानना जरूरी है। सर गवर्नमेंट कितने तरह की है हमारे देश में? हमारे यहां 3-tier गवर्नमेंट है, 3 layer में। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी है लोकल अथॉरिटी। समझ मारो उज्वल। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी कैटेगरी में आ गया स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरे में आ गया लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी। ये 3 layer की गवर्नमेंट है। तो सर टैक्स यही लोग लेते हैं? जी हाँ। क्यों भाई? इनके खर्चे हैं अपने। सर इनके क्या खर्चे हैं? तो आप समझिए क्या खर्चे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। ऑल दिस नॉलेज हैज नथिंग टू डू विद योर सब्जेक्ट, लेकिन आपके सब्जेक्ट का जो फाउंडेशन है उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन फॉर्म करती है? कैसे फॉर्म होती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अभी रिसेंट इलेक्शन कब हुए? 2019 में। 2019 में एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी लेड,
बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट को आप लोगों ने इलेक्ट किया, आपने अपना एक प्राइम मिनिस्टर चुना, पीएम, ठीक है, क्यों चुना सर? वो हमारे देश को चलाएंगे, हमारे देश को रूल करेंगे। देखो हमारे देश की रूलिंग दो तरीके से, एक नेशनल लेवल पे है, बॉर्डर की सिक्योरिटी किसके जिम्मेवारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वाटर टेरिटरी किसकी जिम्मेवारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो बहुत सी जिम्मेवारियां सेंट्रल गवर्नमेंट की है और बहुत सी जिम्मेवारियां राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट की है। हम दोनों को अलग अलग पर्पज से चुनते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया, एमपी के इलेक्शन होते हैं जिसमें सांसद वगैरह चुने जाते हैं, राइट। और जब ये किसी भी आप प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, या आप सच बताओ तो कोई गवर्नमेंट चुनते हैं और वो गवर्नमेंट फिर एक अपना प्राइम मिनिस्टर चुनती है। कई बार आपको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पहले से पता होता है, कई बार बाद में पता चलता है। जैसे नरेंद्र मोदी का पहले पता चल गया, नरेंद्र मोदी जी का, अब मनमोहन सिंह जी का बाद में पता चला, तो ये चलता है। तो ये गवर्नमेंट जिसको हमने वोट दिया उसने हमसे कुछ वादा किया, हम ये करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर, जो वादा किया, आपको उनका एजेंडा पसंद आया, आपने अपना वोट कास्ट किया, नहीं किया, इंडिविजुअल चॉइस है, इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो अब ये गवर्नमेंट कल को आएगी तो अपने प्रोमिसेस फुलफिल करेगी। प्रोमिसेस फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए इनको, रेवेन्यू। अब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में 2019 में जब इलेक्शन हुआ था, आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था हम 2024 तक घर घर में पानी का नल वाटर लाइन लेआउट कर देंगे, कहा था उन्होंने। 2022 तक हम सबको मकान दे देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई कह तो दिया, इतना बड़ा देश, उसको खर्च करते हैं उसमें, मतलब आप जब आप मकान बना के देंगे, लोगों के घर में पानी पहुंचा के देंगे, हजारों करोड़ लाखों करोड़ का खर्च आएगा, तो इनको भी रेवेन्यू चाहिए। हाँ सर चाहिए। उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का जब इलेक्शन होता है तो हम सीएम चुनते हैं, चीफ मिनिस्टर, इसकी भी अपने वादे हैं। ये अपने राज्य के लिए प्रॉमिस करता है, हम यहाँ स्कूल बनवा देंगे, हम यहाँ कॉलेज बनवा देंगे, ये सड़क बनवा देंगे, ये नाला बनवा देंगे, ठीक है। तो इसके भी अपने हैं, तो इसको भी रेवेन्यू चाहिए अपनी प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए। तीसरी कैटेगरी है लोकल अथॉरिटी, जिसको आप लोग कहते हैं, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शहर को पालने वाला, इसका नाम होता है नगर पालिका, सुना होगा आपने नाम, नगर पालिका, नगर को पालने वाला। सिटी लेवल पे होता है कौन, लोकल अथॉरिटी। स्टेट लेवल पे कई सिटी आती हैं और सेंट्रल लेवल पे कई स्टेट आते हैं, तो तीसरी लेयर्स है। तो आपको लोकल अथॉरिटी में जब आप किसी पार्षद को, काउंसलर को चुनते हैं, तो वो आपसे प्रॉमिस करता है कि मैं आऊंगा तो पूरी एक तरह से नालियां एकदम साफ रहेंगी, कीटनाशक दवाओं का हम छिड़काव करवाएंगे, वो भी बोलता है, हम आपके जो भी आपकी बेसिक फैसिलिटी है मोहल्ले के बेस पर हम वो प्रोवाइड करेंगे। तो उनको क्या चाहिए सर, उनको भी टैक्स चाहिए। तो सर ये कौन सा टैक्स लेते हैं, ये टैक्स लेते हैं म्यूनिसिपल टैक्स, जिसको आप लोग कहते हैं हाउस टैक्स। हाउस टैक्स लेती है लोकल अथॉरिटी और उसी रेवेन्यू से वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। सर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है, हाँ स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है। स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है स्टेट जीएसटी। सर स्टेट जीएसटी क्या होता है, स्टेट जीएसटी का मतलब यह है कि यहां जीएसटी दो तरह की है, स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है। सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं आप, आपको वाकई कुछ समझ में भी नहीं आएगा बस सिवाय इसके कि स्टेट जीएसटी कुछ होता होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है इनकम टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है कस्टम ड्यूटी। सर हमें बहुत कंफ्यूजन हो रही है, क्या सर कौन सा टैक्स कौन सी अथॉरिटी लेगी हमें क्या पता, कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लेगी, सेंट्रल लेगी या स्टेट लेगी, हम कैसे जान पाएंगे। तो इसकी चिंता मत करो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें एक सेवंथ शेड्यूल है, उस सेवंथ शेड्यूल में सब कुछ बता रखा है कि कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट उसका लॉ बनाएगी और कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और किस तरह से वो उस रेवेन्यू को रिटेन करेगी। ये सारी बातें क्लियर है, कहां तो वो क्लैरिटी आपको मिलती है सेवंथ शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान,
इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक सेवंथ शेड्यूल है, सेवंथ शेड्यूल है, और इस सेवंथ शेड्यूल के अंदर तीन लिस्ट आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं सिविक्स वगैरह में, शायद आप 8, 9, 10 में कहीं पढ़े हो। एक है लिस्ट वन, दूसरा है लिस्ट टू, और तीसरा है लिस्ट थ्री। तीन लिस्ट बनाई गई है उसमें। लॉ के बनाने वाले को, भारत के संविधान को बनाने वाले को इस बात की जानकारी थी कि आने वाले भविष्य में टैक्स के जो प्रोविजंस हैं या फिस्कल लॉ जिसको कहते हैं, जिससे रेवेन्यू आती है, ऐसे लॉ के में आने वाले समय में कोई कंफ्यूजन ना हो कि स्टेट गवर्नमेंट ये कहे कि भाई ये वाला टैक्स मैं लूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि मैं लूंगा, तो एक आपस में ढिसुम ढिसुम ना करें। तो संविधान के निर्माताओं ने पहले ही इसकी एक सूची बना दी थी, सेवंथ शेड्यूल, उसके अंदर एक लिस्ट थी यूनियन लिस्ट। पहली लिस्ट थी यूनियन लिस्ट, लिस्ट वन को हम लोग कहते हैं यूनियन लिस्ट, और लिस्ट टू को हम लोग कहते हैं स्टेट लिस्ट, और इसको हम लोग कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। क्या आपने कहीं पढ़ा इसे, कहीं लिस्ट वगैरह पढ़ा आपने कहीं, 9th, 10th पढ़ा था? तीन लिस्ट होती है। अब पहली लिस्ट में अगर आप जाते हो तो यहां पर एंट्री वन, एंट्री नंबर टू, एंट्री नंबर थ्री, एंट्री नंबर फोर करके 97 तक एंट्री है, यानी 97 आइटम्स यहां पर लिस्टेड है, और इन लिस्टेड आइटम में कौन लॉ बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी में आता है आपका इनकम टैक्स, इसी में आपका आता है सेंट्रल जीएसटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जीएसटी, इसी में आता है आपका कस्टम लॉ, ठीक है? तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, नो कंफ्यूजन एट ऑल। यूनियन लिस्ट के आइटम पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, और उस लॉ के बेस पर कलेक्टेड रेवेन्यू को भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, और वहां जो लिस्टेड आइटम है उसमें इनकम टैक्स, कस्टम, ये सब वहां पर है। तो सर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी लिस्ट है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो स्टेट जीएसटी अपने पास रखेगी, स्टेट जीएसटी का लॉ भी यही बनाएगी। लेकिन सर मान लो जहां स्टेट नहीं है, तो जैसे जैसे बहुत से ऐसे पीस ऑफ लैंड है इंडिया में जो यूनियन टेरिटरी में आते हैं, जैसे चंडीगढ़, अभी रिसेंटली बना लद्दाख, ठीक है, अंडमान निकोबार, तो वहां पर स्टेट जीएसटी की जगह यूटी जीएसटी लिया जाएगा, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। हम लोग इसको जीएसटी में एक्सप्लोर करेंगे बहुत तरीके से, अभी जरूरत नहीं है। हमने यहां पर तो सिर्फ मेरा मुद्दा यह है कि लिस्ट वन में जो आइटम लिस्टेड है उस पर लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में जो आइटम लिस्टेड है उस पर लॉ बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन लिस्ट थ्री में जो नॉन फिस्कल लॉ है, यानी कि रेवेन्यू, बिना रेवेन्यू वाला लॉ, जैसे कि जंगल एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट बनता है ना, तो फॉरेस्ट एक्ट तीसरी लिस्ट में। अब इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती, स्टेट चाहे तो स्टेट ही बना सकती, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ अदर गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है कि एक कानून बनना चाहिए, उस कानून पर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं कहा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद उस कॉन्करेंट लिस्ट के आइटम पर लॉ बना लेगी, लेकिन उसका कंसेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी, हाँ भाई हम इस लॉ को बनाए हैं, आप भी इसको पास कर दें। तो एज फार एज कंफ्यूजन एज रिगार्ड टू एनेक्टमेंट ऑफ लॉ इज कंसर्न, देर इज नो कंफ्यूजन, क्योंकि ये लिस्टेड आइटम है और किसको लॉ बनाना है क्लियर है। आइए वापस, तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट वन के आइटम पे लॉ बनाती है, करेक्ट, और उस लिस्ट वन में इनकम टैक्स आता है, कस्टम ड्यूटी आती है, सेंट्रल जीएसटी आती है, करेक्ट। और सर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट जीएसटी का लॉ बनाएगी और ये लिस्ट टू में कवर्ड है, बिल्कुल सही। और सर लोकल अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में आपके आर्टिकल बनाए गए वहां से कवर्ड है, ठीक है। तो अब टैक्स लेने वाले कौन, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब थ्री लेयर गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट। सर हम क्या क्या पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस क्या कहता है? आपका सिलेबस कहता है 60 नंबर का इनकम टैक्स पढ़ोगे सेंट्रल लॉ। इनकम टैक्स कहां आएगा, सेंट्रल में। 60 नंबर का इनकम टैक्स पढ़ोगे सेंट्रल लॉ। 40 नंबर की जीएसटी पढ़ोगे जो स्टेट भी है और
सेंट्रल भी है, यानी ऐसा तो कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह सकते 20-20 नंबर, मतलब सेंट्रल का भी जीएसटी और स्टेट का भी जीएसटी है, तो ये आपकी अथॉरिटी है, फाइन। अब इसके बाद आप आओ कि सर टैक्स आपने बताया डायरेक्ट होता है, टैक्स आपने बताया इनडायरेक्ट होता है। सर ये बात समझ में नहीं आई, ये डायरेक्ट क्यों होता है और इनडायरेक्ट क्यों होता है? टैक्स होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट किया जाता है, गवर्नमेंट तीन है हमें पता है, टैक्स देने वाला एक पर्सन है ये भी पता है, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि इसका नाम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है। तो टैक्स को कलेक्ट करने का जो मेथड है वो दो तरह का मेथड हमारे कंट्री में है, एक डायरेक्ट कलेक्शन है और एक इनडायरेक्ट कलेक्शन है। जो टैक्स डायरेक्टली कलेक्ट होता है उसे डायरेक्ट टैक्स कहा गया, अदरवाइज उसे इनडायरेक्ट कहा गया। आइए देखते हैं क्या है ये। अगर मैं कैटेगरी वाइज चलू तो टैक्स को मैं दो कैटेगरी में बांट सकता हूं कंफर्टेबली, एक डायरेक्ट टैक्स जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कर, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्यों डायरेक्ट है ये और क्यों इनडायरेक्ट है, इसके एग्जाम्पल क्या है, क्या वजह है इसको आप डायरेक्ट कह रहे हो इसको इनडायरेक्ट कह रहे हो? तो देखो मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टैक्स को कलेक्ट करने के लिए जो विधि अपनाती है उसी के आधार पर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहा गया है। पहले डायरेक्ट टैक्स में टैक्स देने वाला और टैक्स लेने वाले के बीच में तीसरा कोई बंदा है ही नहीं, यानी डायरेक्ट टैक्स देने वाला गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स देता है और टैक्स लेने वाला असेसी से डायरेक्ट टैक्स लेता है। फॉर एग्जाम्पल सर, आइए एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल लिया जा सकता है इस अर्ली स्टेज पर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं और मैं आपसे उम्मीद भी नहीं करता हूं कि आपको इसकी जानकारी हो, लेकिन इतनी बात आपको जरूर बताऊं कि हमारे देश में एक लॉ है जो कहता है इनकम पे टैक्स वही देगा, इनकम पे टैक्स वही देगा जिसकी पूरी एक साल में 2.5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम है। टोटल इनकम फॉर ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, मैं टेक्निकल नहीं जा रहा हूं, टेक्निकल बातें तो बाद में करेंगे, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर वो सब बातें बाद में आएंगी, अभी बात ये हो रही है एक फाइनेंशियल ईयर में किसी व्यक्ति के पास 2.5 लाख से ऊपर की इनकम है तो वो टैक्स के नेट में आ गया। आपने कहा सर मैं तो 15,000 महीने कमाता हूं, साल के 1,80,000 ही मेरी कमाई होती है, मैं टैक्स दूं? आपको ना टैक्स देना है और ना ही सरकार को आपकी तलाश है, आप आराम से घूमे। तो सर हमारे देश में तो ऐसी बहुत बड़ी आबादी है जो 2.5 लाख से नीचे है, वो तो टैक्स ही नहीं देती होगी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आपको जानकर आश्चर्य होगा आपके देश में इनकम टैक्स 97-98% लोग पे नहीं करते, मात्र 2-3% लोग, 3-4% लोग ही टैक्स पे करते हैं, और वो भी कितना पे करते हैं वो अलग बात है। टैक्स पे करने वाले में वो भी आएगा जो 10 रुपए टैक्स पे करते हैं, जो 100 रुपए पे करते हैं, और वो भी आएगा जो 100 करोड़ और 1,000 करोड़ पे करते हैं। तो जरा सोच के देखो, तो आप उस कंट्री के निवासी हो जिस कंट्री में 3-4% लोग मात्र टैक्स पे करते हैं, अभी 6 करोड़ के आसपास इनकम टैक्स की रिटर्न आती है, 6 करोड़ प्लस, आबादी देश की करीब करीब 135-140 करोड़, 6 करोड़ और 140 करोड़ परसेंटेज आपके हाथ में, कैलकुलेटर से निकाल लीजिए इतने लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। और सुविधा किसको चाहिए? सबको, फ्री में सबको, लॉ एंड ऑर्डर सबको चाहिए, गलियां मोहल्ले सबकी साफ होनी चाहिए, टैक्स लेने में सख्ती दिखाओ तो सरकार अच्छी नहीं, टैक्स लेने में सख्ती ना दिखाओ तो पब्लिक टैक्स नहीं दे रही, पब्लिक टैक्स नहीं दे रही गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू नहीं तो काम नहीं, काम नहीं तो बाकी आपको पता ही क्या होता है, फिर कोई दूसरी सरकार लाओ, सरकार बदलने से थोड़ी देश की तकदीर बदलेगी, टैक्स तो तुम उसको भी नहीं दोगे, नई सरकार को भी, जिसको टैक्स नहीं देना है उसको तो किसी को नहीं देना है, रेवेन्यू नहीं तो दिक्कत रहेगी। तो इनकम टैक्स लॉ कहता है, इस स्टेज पे मैं आपको बताना चाहता हूं,
ढाई लाख से ऊपर जिसकी इनकम है वो टैक्स के नेट के अंदर है, जिसकी इनकम ढाई तक है या ढाई से नीचे है हमें उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, चलिए आप एग्जांपल लीजिए। एक मिस्टर एक्स है सर, इसकी टोटल इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल इनकम TI टोटल इनकम मोर देन 2.5 लाख है, 3 लाख, 5 लाख, 12 लाख, 20 लाख, 38 लाख, 50 लाख सर इसका टैक्स है, जो भी टैक्स है, तो सर ये टैक्स देगा? बिल्कुल, इसी की तो जरूरत है। ये जो आपका जो कानून है इनकम टैक्स का, इसी व्यक्ति को तो ढूंढ रहा है, इसी की तलाश है इनको। सर ये टैक्स किसको देगा? गवर्नमेंट को। सर ये कौन सी गवर्नमेंट है? तो टैक्स कौन सा है सर? इनकम। तो फिर गवर्नमेंट कौन सी है? कौन सी है? सेंट्रल। सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ओके। और इसकी इनकम अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो लायबल टू पे टैक्स, ठीक है सर। इसने डायरेक्ट इसको टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, जी, और गवर्नमेंट ने डायरेक्ट से टैक्स लिया, जी। इफ यू आर मिस्टर एक्स एंड योर इनकम इज मोर देन 2.5 लाख, देन यू आर सोलली लायबल, ओनली यू आर लायबल टू पे योर टैक्स आउट ऑफ योर ओन पॉकेट। अपनी पॉकेट से टैक्स दोगे, यू कैन नॉट शिफ्ट द लायबिलिटी ऑन टू द हेड ऑफ अदर पर्सन, इट इज योर लायबिलिटी, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज पर्सनल लायबिलिटी, इसको कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स का एक दूसरा नाम है मेरे बच्चे, द अल्टरनेटिव नेम फॉर डायरेक्ट टैक्स इज पर्सनल टैक्स, हम डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं और इसका दूसरा एक नाम है पर्सनल टैक्स। इस पर्सनल टैक्स का मतलब यू आर बियरिंग दिस लायबिलिटी पर्सनली विदाउट शिफ्टिंग दिस लायबिलिटी ऑन टू द हेड ऑफ अदर पर्सन, किसी और पे ये आप नहीं शिफ्ट कर रहे हैं, खुद बियर कर रहे हैं, तो हम इस डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं, हम इसको पर्सनल टैक्स भी कहते हैं। सर पर्सनल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो डायरेक्ट टैक्स की लायबिलिटी होती है ये पर्सन पे होती है, व्यक्ति पर, पर्सन पर, चाहे वो पर्सन नेचुरल हो चाहे वो पर्सन आर्टिफिशियल हो, लेकिन ये लायबिलिटी होती है पर्सन पर। तो इसको मैं ऐसे समझे, जो पर्सन पे लायबिलिटी हो पर्सनल टैक्स है, और जो पर्सनल टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है, और जो डायरेक्ट टैक्स है उसका एग्जांपल इनकम टैक्स है। यानी इनकम टैक्स इज ए पर्सनल टैक्स, इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स विल पे टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट विदाउट शिफ्टिंग द लायबिलिटी ऑन टू द हेड ऑफ अदर पर्सन। तो सर व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? आइए जरा हम इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल को देखते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग कहते हैं इम्पर्सनल टैक्स। सर आपने इम्पर्सनल क्यों कह दिया इसको? आपने इसको इम्पर्सनल क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया कि ये टैक्स की लायबिलिटी किसी व्यक्ति किसी पर्सन पे नहीं है। तो फिर ये लायबिलिटी किस पर है? ये लायबिलिटी अदर देन पर्सन पे, व्यक्ति के अलावा। अब व्यक्ति के अलावा कौन कौन आएंगे? अदर देन पर्सन कौन होगा? ऐसे चला दो, ऐसे चला दो, जरूरत है? नींद आ रही है थोड़ी सी? हाँ। तुम चाहो तो पानी पी सकते हो, पी लिया? तो पर्सनल टैक्स में पर्सन इन्वॉल्व होता है, इन पर्सनल टैक्स में पर्सन पे कोई लायबिलिटी नहीं होती। सर एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल इसका है, एक है सप्लायर, जिसको हम कह सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सेलर, दूसरा है रेसिपिएंट, जिसको हम यहां पर ले सकते हैं बायर, एक है सेलर एक है बायर, एक है सप्लायर एक है रेसिपिएंट। सप्लायर ने सप्लाई दी बायर को, सर किसी की सप्लाई? सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। इसने दिया सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विस ऑब्लिक बोथ। मैं हूं सप्लायर, आप हैं रेसिपिएंट, मैंने आपको सप्लाई दी, गुड्स की दी सर्विस की दी दोनों की दी, ठीक है।
जब आप सप्लाई ले लेते हो, इन सिंपल वर्ड बताऊं, बायर सेलर से गुड्स खरीद रहा है, इन सिंपल वर्ड। तो ये जब इसको रेसिपिएंट को गुड्स की सप्लाई करेगा तो एक इनवॉइस बनाएगा कि नहीं? इनवॉइस का मतलब बिल, बिल बनाएगा ना। बिल में क्या लिखेगा? ये लिखेगा प्राइस गुड्स की 100 रुपए और आपसे लेगा जीएसटी। सर जीएसटी क्या होता है? तो अभी ये समय नहीं है जीएसटी समझने का, बस इतना समझ लो ये एक टैक्स है। मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूं, एक आपसे टैक्स लिया जा रहा है। कितना? 18%, 18 रुपया। आपको कितने का बिल दे दिया इसने? 118 का। ये बिल आपके पास चला आया, बायर के पास। इन रिटर्न, इन रिस्पॉन्स बायर ने क्या किया? सर बायर ने सेलर को, बायर ने सेलर को पेमेंट किया। कितना? ₹118। अब सुनो यहां कितनी बातें हो सकती है। एक बात तो ये हो सकती है कि बायर सेलर से कहेगा, भैया मैंने तुमसे 100 रुपए की चीज खरीदी, तुम मुझसे 100 रुपए लो, तुम मुझसे 118 रुपए क्यों ले रहे हो? सेलर कहेगा जी 18 रुपए जीएसटी के हैं। ये क्या होता है? गवर्नमेंट का टैक्स है। तो ये गवर्नमेंट का टैक्स हम गवर्नमेंट को देंगे। बोले नहीं, आपको देने की जरूरत नहीं है, आप हमें दे दो, आप हमें दे दो। सेलर ने कहा बायर से, आप हमें दे दो, हम गवर्नमेंट को दे देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की नजर में ये जो लायबिलिटी है टैक्स पे करने की वो हमारी है। गवर्नमेंट सप्लायर से कहती है, मिस्टर सप्लायर इफ यू विल सप्लाई यू विल हैव टू पे टैक्स। बहुत सिंपल वर्ड, नॉन टेक्निकल वर्ड। आप सप्लाई करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा मिस्टर सप्लायर। तो सप्लायर बायर से कहता है कि भाई वो टैक्स तो आपसे देना पड़ेगा। अब मान लो बायर ने रिफ्यूज कर दिया, मैं नहीं देता जीएसटी, तो सेलर के पास पूरी चॉइस है कि वो ये कह सके, अगर तुम मुझे जीएसटी नहीं देते तो मैं तुम्हें सप्लाई नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सप्लाई नहीं दूंगा। ठीक है जी, अब ये 118 रुपए किसके पास आ गए? सप्लायर के पास। अब सप्लायर की लायबिलिटी है कि वो टैक्स पे करे किसको? गवर्नमेंट को। सप्लायर की लायबिलिटी, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करे। सर गवर्नमेंट कौन सी है? देखो अगर बात जीएसटी की है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट भी हो सकती है, हम टेक्निकली बाद में देखेंगे। तो सर ये गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा? ये गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा ₹18। सर आप ये तो नहीं कहना चाहते कि ये 18 रुपये इसलिए पे करेगा क्योंकि इसने बायर से 18 रुपये लिए हैं टैक्स के नाम पे? नहीं, इसने बायर से 18 रुपये लिए, 8 रुपये लिए, नहीं लिए, 18 से ज्यादा लिए, हमें उससे मतलब नहीं है। उस सप्लाई पे जितना टैक्स बनता उतना हम सप्लायर से लेंगे, जो उसके कलेक्टेड टैक्स से कम भी हो सकता है और कलेक्टेड टैक्स से ज्यादा भी हो सकता है। सर ये बात समझ में नहीं आई? हम जब जीएसटी पढ़ेंगे तब इसके एनालिसिस करेंगे। यहां तो एक सिंपल सी बात है, एक सप्लायर है, दूसरा बायर है। सप्लायर ने बायर को सप्लाई दी और साथ में एक इनवॉइस इश्यू किया। इनवॉइस्ड वैल्यू को बायर ने सप्लायर को पे कर दिया और सप्लायर फर्दर उसमें से टैक्स का कंपोनेंट कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब आइए फाइनल सिचुएशन, फाइनल सीन क्या है? सीन ये है, टैक्स का रिसीवर गवर्नमेंट और टैक्स का लूजर कौन है? बायर या सप्लायर? टैक्स का लूजर कौन है? किसकी पॉकेट से टैक्स निकला? बायर या सप्लायर? बायर। ये है लूजर। टैक्स इसने अपनी पॉकेट से दिया, इसने 118 रुपए पे किए, 18 रुपए से टैक्स लिया गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि इसने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं किया, ये तो गवर्नमेंट को जानता भी नहीं। इसने पेमेंट की किसको? इसने पेमेंट की है सप्लायर को और सप्लायर ने पे किया है गवर्नमेंट को। तो समझने वाली बात यह है कि द गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग द टैक्स, गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग द रेवेन्यू फ्रॉम द बायर बट नॉट डायरेक्टली, फ्रॉम द बायर बट नॉट डायरेक्टली, इट इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द सप्लायर। सो टैक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम समबडी। टैक्स मैं आपसे ले रहा हूं, लूजर आप है, लेकिन मैं इनसे मांग रहा हूं, आपसे मांग रहा हूं। तो टैक्स
दिया आपने, लेकिन डायरेक्टली आपने मुझे नहीं दिया, आपने इनडायरेक्टली दिया। इस मैकेनिज्म का नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हैं जीएसटी, कस्टम एक्ट, ये इनडायरेक्ट है। क्योंकि ये लायबिलिटी इसलिए इनडायरेक्ट है क्योंकि ये पर्सन की लायबिलिटी नहीं है, ये गुड्स और सर्विस के ऊपर की लायबिलिटी है। कस्टम ड्यूटी कब पे करते हैं? व्हेन देयर इज इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, यानी गुड्स पर लायबिलिटी है, सप्लाई पर लायबिलिटी, ये लायबिलिटी सप्लाई पर है। तो देख बच्चे, टैक्स दो तरह के हो गए, एक हो गया डायरेक्ट टैक्स, वेयर टैक्स हैज टू बी पेड बाय द लायबल पर्सन टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली विदाउट पुटिंग इन बिटवीन एनी थर्ड पार्टी, एंड ऑन टू अदर साइड इनडायरेक्ट टैक्स इज टू बी पेड बाय द पर्सन, कौन पे कर रहा है? सप्लायर, बट व्हाट ही इज डूइंग, ही इज कलेक्टिंग द सेम फ्रॉम द बायर, तो अपना रिकवर कर लेता है। यानी देखा जाए गवर्नमेंट की निगाहों में लायबिलिटी तो इसी पर है, लायबिलिटी इसी पर है, ठीक है, लेकिन ये टैक्स को अपने बायर से कलेक्ट कर लेता है, तो ये अपनी लायबिलिटी उस पर शिफ्ट कर देता है। चलिए, तो सर ये था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, करेक्ट सर? इसको समअप कीजिए, समअप बेटा ज्यादा कुछ नहीं है, सब्जेक्ट 60-40 में डिवाइडेड है, एमसीक्यू भी है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है। दूसरा अगर पॉइंट देखें, टैक्स एक कंट्रीब्यूशन है, वॉलंटरी है नहीं, कंपल्सरी है हां, ठीक है, क्यों है? तो गवर्नमेंट के खर्चे को चलाने के लिए जनता अपनी कमाई या अपनी सप्लाई, अपनी कमाई या अपनी सप्लाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देती है। टैक्स देने वाला करदाता, लेने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब तीन गवर्नमेंट, तीनों गवर्नमेंट के अपनी अपनी कमिटमेंट्स हैं, अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं इस देश को एडमिनिस्ट्रेशन देने की, लॉ एंड ऑर्डर देने की, सुविधाएं देने की, वो टैक्स लेते हैं, फाइन। सर नेचर वाइज, कलेक्शन मेथड वाइज दो तरह के टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में तीन पार्टियां होती हैं, ठीक है। अब आइए अपने सब्जेक्ट के टाइटल पे। सर हमारे सब्जेक्ट का नाम इनकम टैक्स, मार्क्स 60, ये तो आपको पहले बता चुका हूं मैं। सर इनकम टैक्स का मतलब, इसका मतलब टैक्स ऑन इनकम, ये आपका सब्जेक्ट। तो सर आप हमें क्या पढ़ाने वाले हो आने वाली क्लासेस में? आप मुझसे ये पढ़ोगे इनकम कैलकुलेट करना और कैलकुलेटेड इनकम पर टैक्स को कंप्यूट करना, इनकम कैलकुलेट करना और उस कैलकुलेटेड इनकम पर टैक्स को कंप्यूट करना, ये आपका सिलेबस है। सर अगर हम आप हमें ये चीज सिखा दोगे, इनकम निकालना, टैक्स निकालना, तो हम इनकम टैक्स का कितना परसेंट सिलेबस कवर कर चुके होंगे, सिलेबस इंटरमीडिएट के हिसाब से? अगर ऐसा हुआ कि आपने दोनों चीज सीख ली, तो आपने 80-85% सिलेबस खत्म हो गया। सर ये है क्या और कैसे ऑपरेट होता है? तो देखिए, टैक्स निकालना है इनकम पर, ओके। तो सर इनकम का क्या मतलब है यहां? तो इनकम का मतलब है यहां टोटल इनकम। ऐसा नहीं है कि हमारे यहां इनकम वाइज टैक्स है, आपके पास सैलरी इनकम, आपके पास रेंटल इनकम, आपके पास डिविडेंड इनकम, आपके पास इंटरेस्ट इनकम है, तो सबका टैक्स अलग अलग नहीं लगता, सबको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, सारी इनकम को उसको एक साथ बाउंड करके जोड़ते हैं, टोटल निकालते हैं, और वो टोटल इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आप टैक्स के दायरे में आते हो। सर टैक्स कितना लोगे वो बात की बात है, वो 10% लेंगे, 15 लेंगे, 50 लेंगे, वो बात की बात है, लेकिन आप पहले ये समझे कि आपको अपना टोटल इनकम निकालना है। सर टोटल इनकम कितने पीरियड का निकाले, 10 साल की इनकम पे एक साथ टैक्स दें या डेली बेसिस पर टैक्स दें? जी नहीं, हमारे यहां स्टैंडर्ड है 1 साल की इनकम पे, मैक्सिमम पीरियड 1 ईयर, 1 साल की इनकम निकालो, उस इनकम पर आपको टैक्स देना है, ठीक है सर? टोटल इनकम पे हम निकाल लिया, हमने टोटल इनकम निकाल लिया, ठीक है, और हमारी जो टोटल इनकम है सर, वो टोटल इनकम जो है वो मोर देन 2.5 लाख है, इसका मतलब टैक्स के दायरे में है, ठीक है। अब क्या करूं, जब टोटल इनकम निकल गया तो टैक्स कंप्यूट करो, टैक्स कंप्यूटेशन करो। सर वो भी कर लिया, आपका कोई टैक्स आया होगा 20,000, 15,000, 5 लाख, 20 लाख, 2 करोड़, 25 करोड़, जो भी टैक्स आया
आ गया। हाँ अब क्या करो सर, अब आप इसे पे करो, पे टू टू होम गवर्नमेंट, पे कर दो। सर कर दिया। सर कैसे करूं? ऑनलाइन। सर ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन टैक्स पे होता है। सर कैसे आप बताओ जरा, इसके लिए आपके पास चैप्टर है, जब आएगा समय जरूर बताऊंगा डिटेल में। ठीक है सर, हमें इनकम पे टैक्स निकालना है, उसके लिए सबसे पहले टोटल इनकम निकालना है, पहला स्टेप टोटल इनकम निकालना, दूसरा स्टेप निकाले हुए टोटल इनकम पे टैक्स कंप्यूट करना, तीसरा स्टेप गवर्नमेंट को पे कर देना। सर एक साल का हिसाब मैंने गवर्नमेंट को दे दिया, टैक्स दे दिया। क्या सर अब मैं फ्री हो जाऊं, रिलैक्स हो जाऊं? नहीं। क्यों सर, क्या गलती की मैंने? इनकम मैंने अपनी बता दी, टैक्स हमने अपना निकाल दिया, सरकार के खाते में जमा करवा दिया, अब मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अब तो नया साल नई इनकम नया टैक्स नई पेमेंट, फिर एक नया साल नई इनकम नई टैक्स नई पेमेंट। लेकिन ये जो पर्टिकुलर ईयर है, मान लो एक पर्टिकुलर ईयर 2021-22 है, 21-22 का हमने टैक्स दे दिया, सब कुछ कर दिया, या 20-21 का टैक्स दे दिया, तो अब तो उस पीरियड के टैक्स में फ्री हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसे 6 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते, मतलब इनकम टैक्स पे करते हैं। हाँ तो मैंने भी पे किया है। आपने पे किया, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? सर अपना अकाउंट चेक करे तो गवर्नमेंट आपका अकाउंट 6 करोड़ असेसी में कैसे ढूंढेगी? तो सर मैं क्या करूं? तो आप एक काम करो, आपने जो टोटल इनकम निकाली, आपने जो टैक्स कंप्यूट किया, आपने जो पेमेंट की, इन सब की डिटेल, ऑल डिटेल, इस सब की डिटेल इन सब की डिटेल्स एक जगह लिखो, एक फॉर्मेट में लिखो, और उस फॉर्मेट को कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। सुना हुआ नाम रिटर्न, ITR 1, ITR 2, ITR 3, कई नंबर ITR के। तो सर ITR क्या होता है? ITR में आप अपने टोटल इनकम की डिटेल, टैक्स कंप्यूटेशन की डिटेल और उसके पेमेंट की डिटेल मेंशन करते हैं और गवर्नमेंट के काउंटर में फाइल करते हैं। तो सर अब तो मेरी जिम्मेवारी खत्म। हाँ, आपकी जिम्मेवारी खत्म हो गई कि आपने अपना सारा हिसाब किताब गवर्नमेंट को दे दिया, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। अभी आप सोचोगे कि यहां से हम फ्री हो गए? बिल्कुल नहीं। ऑल डिटेल हैज टू बी फर्निश्ड बाय यू इन द फॉर्म ऑफ ITR इनकम टैक्स रिटर्न। अब ये रिटर्न कहां जाएगी? ये जाएगी गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट मतलब टैक्स अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी के पास जाएगी। तो सर अब वो क्या करेंगे? वो करेंगे क्या, चेक करेंगे आपकी रिटर्न को? सर रिटर्न में क्या चेक करेंगे, वो तो सब सही होगा। क्या गारंटी सही होगा? हो सकता है जिस इनकम पे 15% टैक्स निकालना था वहां आपने 20 निकाल दिया हो, और हो सकता है जहां 20 निकालना था वहां आपने 5% निकाला हो, हो सकता है आपने इनकम सही कैलकुलेट ना की हो अपनी, या फिर आपने टैक्स की कंपटीशन सही ना की हो, कुछ भी हो सकता है। तो क्या सर वो हमारी रिटर्न को चेक करते हैं? क्या 6 करोड़ रिटर्न को सरकार बैठ के चेक करेगी? तो देखो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आजकल ऑटोमेटेड सिस्टम हो गया है, AI का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ल्ड है आजकल, तो आजकल कंप्यूटर की वजह से काफी कुछ चेक कर लिया जाता है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो वो रैंडम बेसिस पर जितनी रिटर्न जमा हुई है उसमें से 7-8% रिटर्न को वो रैंडम बेसिस पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब 7-8% कितनी हो गई? वही करीब 45-50 लाख। अगर 6 करोड़ है तो 45-50 लाख रिटर्न, और ये पूरे इंडिया में, जो पूरी इंडिया में जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं वो इसको डिटेल चेक करती हैं, और इस डिटेल चेक को कहा जाता है स्क्रूटनी। नाम सुना कभी? मेरा केस स्क्रूटनी में चला गया, एवर हर्ड? कभी सुना हो? हाँ, स्क्रूटनी असेसमेंट। सर मेरा केस, मेरा इनकम टैक्स का रिटर्न था, मेरा केस तो चला गया स्क्रूटनी में। स्क्रूटनी मतलब विस्तृत जांच। तो अब ऑफिसर आपके रिटर्न को डिटेल में चेक करेगा, आपसे सारी इंफॉर्मेशन मंगवाएगा, एक एक आइटम को चेक करेगा। आपने खर्चे कहीं बढ़ा करके प्रॉफिट तो कम नहीं कर दी? आपने प्रॉफिट अपने इनकम को कम तो नहीं दिखाया? आपने डेप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम तो नहीं कर लिया? एक एक चीज चेक करेगा। आपने किसी को पेमेंट की तो वो पेमेंट किस चीज की?
आपके पास कहीं से पेमेंट आई तो कहां से आई, अभी सारे सवाल होंगे, बाल की खाल निकाले जाएंगे। चलो वो प्रोसेस हम आपको आगे चल के एडवांस स्टेज में बताएंगे कि टेक्निकली क्या होता है वो। लेकिन आपने अपनी टोटल इनकम निकाल ली, आपने टैक्स कंप्यूट कर लिया, आपने उसकी पेमेंट भी कर दी, आपने उसका सारा हिसाब किताब एक फॉर्मेट में मतलब मेंशन करके गवर्नमेंट को दे दिया, तो गवर्नमेंट अब आपका करेगी असेसमेंट। देखो असेसमेंट का मतलब होता है अनुमान लगाना, एस्टिमेट करना, लेकिन इनकम टैक्स में असेसमेंट का मतलब एक अलग है, बताता हूं क्या है। आपका होगा असेसमेंट, तो पहले आप आगे बढ़े उससे पहले आप असेसमेंट क्या होता है जरा उसको आप नोट कर लें। असेसमेंट, असेसमेंट दो तरह का होता है, असेसमेंट दो तरह का होता है। तो पहले तो आप ये समझिए कि असेसमेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये लिखिए आप। असेसमेंट मीन्स determination of total income and computation of tax liability thereon। सर क्या होता है असेसमेंट? असेसमेंट का मतलब होता है कुल आय यानी कि टोटल इनकम को डिटरमाइन करना और उस डिटरमाइन टोटल इनकम पर टैक्स को कंप्यूट करना, यह होता है असेसमेंट। तो सर मेरा असेसमेंट कौन करेगी? अथॉरिटी। तो सर अथॉरिटी असेसमेंट में क्या करेगी? तो आपकी टोटल इनकम को डिटरमाइन करेगी। सर वो तो मैं पहले करके दे चुका हूं, दोबारा करेगी वो। अगर आपका केस असेसमेंट में चला गया तो वो दोबारा करेगी। सर टैक्स तो मैंने निकाल ही रखा था, वो टैक्स दोबारा निकालेगी तुम्हारे कैलकुलेशन, और उसके कैलकुलेशन में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आपसे मांग भी लेगी, और अगर आपने ज्यादा पे कर दिया तो आपको रिफंड भी कर देगी, लेकिन आपने कम पे किया तो सिर्फ आपसे टैक्स ही नहीं लेगी, अब आपसे वो पेनाल्टी भी लेगी। सर पेनाल्टी कितना? पेनाल्टी अप टू 300% ऑफ टैक्स। सर बहुत है? जी हां बहुत है। तो वो टैक्स की लायबिलिटी के साथ साथ पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी? हां देनी पड़ेगी। सर आप पेनाल्टी पढ़ाओगे? सीए फाइनल में पढ़ोगे, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो असेसमेंट का मतलब हो गया कुल आय का निर्धारण, डिटरमिनेशन, एंड डिटरमाइंड टोटल इनकम पर टैक्स की कंपोटेशन। दोनों कंपोजिट एक्सरसाइज को हम कहते हैं असेसमेंट। तो सर ये असेसमेंट तो दो लोग करते हैं, एक तो असेसी खुद करता है और एक अथॉरिटी करता है। यस, दोनों करते हैं। अब यहां से आप दो पार्ट बनाइए। इफ द अबव एक्सरसाइज इज, या इफ द अबव एक्टिविटी लिख सकते हो ज्यादा अच्छा रहेगा। इफ द अबव एक्टिविटी इज कैरिड आउट बाय द असेसी हिमसेल्फ और by someone on his behalf, sir clear नहीं हुआ? clear मतलब ये जो total income को determine करना और tax को determine करने वाला exercise, ये activity अगर assessor खुद करता है, सर वो तो खुद ही करेगा ना। अगर मैं मिस्टर एक्स हूं, मेरी टोटल इनकम है, तो मैं तो अपनी टोटल इनकम खुद निकालूंगा, अपना टैक्स खुद निकालूंगा। हां अगर मैं करता हूं तो इसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। सर मुझे तो नहीं आता, मैं तो इंजीनियर हूं, मुझे तो टैक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं तो डॉक्टर हूं। तो ठीक है, तो मेरे बिहाफ में कोई और करेगा,
समवन ऑन हिज बिहाफ। सर ये समवन कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जिनको इसकी नॉलेज है वो करेगा, चाहे आप खुद करो या आपके बिहाफ में कोई और करे आपके अथोराइजेशन पे। ठीक है, इफ द अबव एक्टिविटी इज कैरिड आउट बाय द असेसर हिमसेल्फ और बाय समवन ऑन हिज बिहाफ इट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140 कैपिटल ए। आपके इंस्टीट्यूट को सेक्शन बड़ा पसंद है, डिटेल में बाद में बताऊंगा। दो नंबर से चार नंबर कई बार पूछ लिया करती है इस सेक्शन में। तो सर अगर ये काम असेसी ने खुद किया, अपनी टोटल इनकम निकाला, अपना टैक्स निकाला और इस कंबाइंड प्रोसेस, इस कंपोजिट प्रोसेस को आपने कहा सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140 है, तो कोई दूसरा असेसमेंट भी होता है? हाँ, एक असेसमेंट जो अथॉरिटी करेगी, आपने जब रिटर्न फाइल की तो उसकी जांच करेगा ना वो, तो उसकी जांच में वो भी तो यही काम करेगा, टोटल इनकम निकालेगा, टैक्स निकालेगा। तो आइए दूसरी तरफ, इफ द अबव एक्टिविटी, एक्टिविटी वर्ड ठीक मैं समझ रहा हूं, यहां पे एक्टिविटी रहने दो, अबव एक्टिविटी इज कैरिड आउट बाय द टैक्स अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी देन इट इज कॉल्ड असेसमेंट। देखना कितना बड़ा फर्क पड़ गया इसके, खाली वर्डिंग का कितना बड़ा फर्क पड़ गया। असेसमेंट अंडर सेक्शन 143/144। जब असेसमेंट, तो देखो असेसमेंट असेसमेंट का तो सिंपल सा मतलब है टोटल इनकम निकालना, टैक्स निकालना। ये काम अथॉरिटी ने किया तो असेसमेंट कहेंगे, लेकिन ये काम अगर असेसी ने किया, करदाता ने किया या उसके बिहाफ में किसी ने किया तो उसको सेल्फ असेसमेंट कहेंगे। तो असेसमेंट का मतलब अब आपका क्लियर है। तो आइए देखिए क्या होगा। सर हम टोटल इनकम निकालेंगे, 2.5 लाख से ऊपर है, नीचे नीचे है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, चलो फ्री हो तुम, तुमसे कोई कुछ नहीं पूछने वाला, आराम से चौड़े में रहो। नहीं सर मेरी इनकम तो 2.5 लाख से ज्यादा है, टैक्स लाइबिलिटी बन रही है? हाँ सर मैंने कंप्यूट करके देखा, लाइबिलिटी बन रही है। पे किया? हाँ सर कर दिया। इसका सारा हिसाब किताब ITR में एक तारीख, एक पर्टिकुलर डेट से पहले गवर्नमेंट को डिटेल दे दी? हाँ सर वो भी दे दी। आपका केस स्क्रूटनी में गया? नहीं सर आई एम लक्की, बच गया मैं, मेरा केस स्क्रूटनी में नहीं गया अभी। क्यों नहीं गया? क्योंकि मालूम है 7-8% रैंडम उठाया जाता है, तो 92-93% तो बच ही जाते हैं। उसने जो इनकम दिखाई वही एक्सेप्ट हो गई, समझ रहे बात को? उसका तो केस स्क्रूटनी में गया नहीं। अगर जिसका स्क्रूटनी में चला गया केस, तो उसका मतलब असेसमेंट में केस चला गया, तो ये जो असेसमेंट होगा ये कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जब असेसमेंट करती है तो करती है 143 में, जिसको स्क्रूटनी असेसमेंट कहते हैं, या फिर 144 में, इसको हम कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। सर नहीं समझ मारा, फटाफट बता रहे हो, ये सब डिटेल में आएगा, यहां तो मैं आपको एक पिक्चर दे रहा हूं। आपको आज ये पता होना चाहिए आपकी पहली क्लास में, मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूं वो क्या है, क्या सिर्फ टोटल इनकम निकालना है या सिर्फ टैक्स ही निकालना है या उसकी पेमेंट तक ही ये सीमित है? जी नहीं, आगे आपको रिटर्न भी फाइल करनी है। रिटर्न का क्या होगा सर? रिटर्न 92% कैटेगरी में गया तो एक्सेप्ट हो गया जो आपने बताया, और नहीं गया तो केस स्क्रूटनी में चला गया, स्क्रूटनी में चला गया तो फिर वो आपको तारीख पे तारीख देंगे, तारीख पे तारीख देंगे, हर तारीख में आपसे डिटेल मंगवाएंगे। सर आजकल तो ऑफलाइन नहीं है? जी नहीं, पहले ऑफलाइन में बहुत ज्यादा हरासमेंट थी, बहुत ज्यादा हरासमेंट भी थी, ब्राइब भी था, ऑफिसर्स को पैसे भी खिलाने पड़ते थे, घूसबाजी होती थी, मैनिपुलेशन होता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये सब धीरे धीरे खत्म कर दिया। अब वो कहते हैं नहीं जी असेसमेंट होगा ई असेसमेंट, ई असेसमेंट मतलब घर बैठ करके काम करो, आपको कोई नहीं बुलाने वाला, जब कोई बुलाएगा नहीं तो आप पैसे कैसे दोगे, घूस कैसे दोगे? कहने का आप जानते ही नहीं हो कि आपके रिटर्न कौन चेक कर रहा है, यहां तक कि असेसी को नहीं पता मेरा ऑफिसर कौन है, ऑफिसर को नहीं पता मेरा क्लाइंट कौन, कहने मतलब इतना ज्यादा।
ट्रांसपेरेंसी, इसीलिए तो बहुत से लोगों को ये सरकार पसंद नहीं आ रही, जिनका धंधा चौपट हुआ कैसे पसंद आएगा, वो तो पानी पी पी के ही गाली देगा ना। मैं मान लो 10 लाख रुपए साल महीने का कमाता था, 1 करोड़ 1.25 करोड़ का मेरा काम था, चाहे जो भी था, अच्छा था बुरा था, अब किसी कारणवश सरकारी व्यवस्था के बदलने की वजह से अब मेरी इनकम 1.25 करोड़ से 1.25 लाख पे आ गई, अब बताओ मैं उस व्यक्ति को कैसे पसंद करूं, राइट? तो ये चलता रहता पार्ट ऑफ, अगर आप डायरेक्टली हर्ट होंगे तो आपको तकलीफ तो होगी। तो इस तरह से आपका ये प्रोसेस है, टोटल इनकम निकालो, टैक्स पे करो, टैक्स है, टोटल इनकम निकालो, टैक्स निकालो, उसकी पेमेंट करो, उसकी डिटेल बना के आईटीआर फाइल करो, आईटीआर का केस असेसमेंट में जाएगा, असेसमेंट में आपका फाइनल हो गया, टैक्स निकलता है तो पे कर दो, और आपका निकलता है तो रिफंड ले लो, और उस साल का कहानी खत्म, फिर एक नया साल, फिर एक नई टोटल इनकम, फिर एक नया टैक्स कंपटीशन, फिर एक नई टैक्स की पेमेंट, फिर एक नई रिटर्न, और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक तुम कमाओगे। सर मैं तो रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं कमाऊंगा, गांव चला जाऊंगा, तो फिर आपको ये काम नहीं करना। सर मैं सीनियर सिटीजन हो जाऊंगा तब भी टैक्स दूंगा? जी हाँ। सर उतना ही दूंगा जितना अभी देना है यंग एज में? जी नहीं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, सीनियर सिटीजन के लिए कुछ बेनिफिट्स हैं, वो सब बात की बात है। तो ठीक है सर, हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आप ये बता रहे हो कि हमें इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना सीखना है। यस सर, अगर आप हमें ये सिखा दोगे तो 85% के आसपास सिलेबस ओवर, 85-90% तक सिलेबस ओवर, फाइन। ओके, अब इसके बाद सर एक बात और आती है कि हम जो ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सोर्स क्या होगी इसकी, सोर्स ऑफ स्टडी कहां से पढ़ेंगे आप, क्या क्या पढ़ाओगे हमें इसमें? ठीक है, हमें टोटल इनकम निकालना है, टैक्स निकालना है, और टैक्स 2.5 लाख से ऊपर तो हमें टैक्स भी देना है, गवर्नमेंट को देना है, और क्यों देना आपको पता ही है, ये बात सारी बात सही है, पढ़ेंगे कहां से, हमारी सोर्स ऑफ स्टडी क्या होगी? ठीक है, हमारी सोर्स ऑफ स्टडी क्या होगी? तो आइए अब हम लोग चलते हैं सोर्स की तरफ, लेकिन सोर्स से पहले एक छोटी सी बात आपको समझने की जरूरत है, छोटी सी बात जो कि इंपॉर्टेंट भी है, हो सकता है आपके सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि आपके काम की चीज है। हमारे देश में सबसे बड़ी अथॉरिटी का नाम बताएं, द बिग अथॉरिटी, नो नो नो, सबसे बड़ा जो अथॉरिटी है वो है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके ऊपर ना कोई प्रधानमंत्री है ना कोई प्रेसिडेंट है, सब उसके नीचे है। तो हमारी सबसे टॉप अथॉरिटी, अपेक्स जो अथॉरिटी है टॉप पे, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसके नीचे, इसका सबऑर्डिनेट मतलब इसके नीचे की तरफ आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे है, यानी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, चाहे सरकार किसी की रही हो। हाँ ठीक है, सरकार अपनी मनमानियां करती हैं, बहुत सी सरकारें करती हैं, तो उस बात अलग है। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है किसकी, एनडीए की। एनडीए क्या होता है सर, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें कई पार्टियों का अलायंस है। सर इसका हेड कौन है इस वक्त, है नरेंद्र मोदी, नमो आपके पीएम। इसके नीचे कौन है सर, इसके नीचे आती है मिनिस्ट्रीज। तो सर आप हमें कौन सी मिनिस्ट्रीज बताना चाहते हो, डिफेंस, होम? ना ना ना, हमें डिफेंस से क्या लेना देना, और हमें होम मिनिस्ट्रीज से कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है फिनेंस मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री तो कही है आप भी जानते हो, लेकिन हमें मतलब है किससे, फिनेंस मिनिस्ट्री से, फिनेंस मिनिस्ट्री से हमें मतलब है। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट फाइनेंस से रिलेटेड है, गवर्नमेंट का फाइनेंस जो है वही तो टैक्स है, गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो हमारे टैक्स, हमारा टैक्स उसको कंट्रीब्यूट करता है। तो सर इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके हाथ में है, आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट लेडी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, मैडम निर्मला सीतारमन एसआर, ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर है।
तो सर ये हमारा सारा डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स सब इन्हीं के कंट्रोल में है। जी हाँ, सारी जिम्मेवारी इनकी है, यही मिनिस्टर है, इन्हीं के कंट्रोल में है। तो सर इसके नीचे कौन है? इसके नीचे होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये सिर्फ आपके, देखो नेक्स्ट क्लास से तो हम सब्जेक्ट में आ ही जाएंगे, लेकिन एक क्लास में हम नेक्स्ट क्लास से हम क्या पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, ये मुझे आज पता हो जाना चाहिए। आज मैं जब घर जाऊं तो मुझे पता होना चाहिए, अच्छा मेरा सब्जेक्ट ये है, इसका सोर्स ये है, पढ़ना ये है, सिलेबस ये है, मतलब एक फील आना चाहिए, तभी हम उसको कल फोकस करेंगे। हमारी डिलीवरी, आई डोंट बिलीव इन सच टाइप ऑफ टीचिंग वेयर आई एम इम्पोजिंग समथिंग ऑन यू। आई बिलीव इन एक्सेप्टेंस, आपको ऐसी टीचिंग दी जाए जो आप एक्सेप्ट करें, हाँ यार ये तो यस यही तो होता है, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए तभी लर्निंग होगी, और उसके लिए आपको पूरा बैकग्राउंड, पूरा फ्रेमवर्क होना चाहिए तभी आप सीख पाते हैं। एनीवे, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है जी, हमारे देश का जितना भी रेवेन्यू का मामला यही देखती है, कमाई धमाई, खजांची समझ लो आप। तो सर इस डिपार्टमेंट में कौन कौन है? इस डिपार्टमेंट के अंदर दो बोर्ड है, दो बोर्ड बनाए गए, टू बोर्ड्स। एक बोर्ड का नाम है सीबीडीटी, फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी डायरेक्ट टैक्स का सारा मामला सीबीडीटी देखती है। डायरेक्ट टैक्स की सारी बातें सीवीडी देखती है। सर किसके अंडर में है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसके अंडर में है? मैडम निर्मला के अंडर में। तो सर एक सीवीडीटी है तो और भी कुछ है? हाँ है ना, एक सीवीडीटी है तो दूसरा भी होगा। तो दूसरा कौन है? तो दूसरा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, सीबीआईसी। सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सीबीआईसी। पहले इसका नाम कुछ और था, जीएसटी आने के बाद इसका नाम बदल गया, पहले था सीबीसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, अब एक्साइज हटा की हट गया है तो अब आ गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। फुल फॉर्म लिख लीजिए, काम आएगा आपके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, ये आपके दो बोर्ड है। अच्छा जी, अब ये बोर्ड क्या करती है? तब इस बोर्ड के अंदर दो हायरार्की है। सर पहले आप डायरेक्ट टैक्स बताओगे या इनडायरेक्ट? मैं पहले आपको डायरेक्ट बताऊंगा। तो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मैं आपको तब बताऊंगा जब जीएसटी पढ़ाऊंगा। हम इसे, ये चलो मैं आप हिंदी में न लिख के, मैं कुछ बच्चे साउथ इंडिया के होते हैं उन्हें नहीं समझ में आते। वी विल डिस्कस, वी विल डिस्कस लेटर, हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। यानी इसकी जो हायरार्की है, इसकी डाउनलाइन में कौन कौन सी अथॉरिटी आती है, हम इसको बाद में देखेंगे। अभी अपने को देखना है डायरेक्ट टैक्स की हायरार्की क्या है। तो देखो, डायरेक्ट टैक्स में दो तरह की हायरार्की है, एक ऑन स्क्रीन और दूसरा ऑफ स्क्रीन। ऑन स्क्रीन समझते हो आप, जो स्क्रीन के ऊपर दिखते हैं, और ऑफ स्क्रीन जो स्क्रीन के पीछे है। डायरेक्टर पर्दे के पीछे होता है, एक्टर पर्दे के ऊपर होता है। हम एक्टर को देखते हैं, लेकिन एक्टर वही करता है, उतना ही करता है, वैसा ही करता है जैसा डायरेक्टर कहता है। वो सारी क्रिएटिविटी इमेजिनेशन किसकी है? डायरेक्टर की, लेकिन वाहवाही ले जाता है एक्टर। तो हमारे डिपार्टमेंट में भी दो तरह के लोग हैं, एक एक्टर जो हमें दिखते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनसे हम मिल सकते हैं। मैं बिल्कुल टेक्निकल नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको एक फ्रेमवर्क जरूर देना चाहता हूं, फ्रेम देना चाहता हूं कि आप सोच सकें। सबसे ऊपर
जो अथॉरिटी है वो है, सबसे ऊपर है सीबीडीटी, और उसके नीचे कौन है, आइए देखिए, इसके नीचे है सीसीआईटी। ये कौन है सर? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये एक पोस्ट है। यानी चीफ कमिश्नर के ऊपर सीधे कौन है? बोर्ड, और बोर्ड के ऊपर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। सर आप ये क्यों बता रहे हैं हमें? क्या एग्जाम में हमारे किसी काम का है? जी नहीं, आपके किसी काम का तो नहीं है, लेकिन जब सीए फाइनल में जाओगे, जब आप ट्रेनिंग करने जाओगे और आपको जब डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन करना होगा, तब आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि जिस टैक्स अथॉरिटी की बात हम इतनी देर से कर रहे हैं वो टैक्स अथॉरिटी है कौन, उसकी पोस्ट क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, ये तो पता होना चाहिए ना। नॉट फॉर एग्जाम एंड नॉट फॉर इनकमिंग क्लास, मैं तो कह रहा हूं आज आज सिर्फ आपको ये समझना है, इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो सीसीआईटी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इसके नीचे होता है सीआईटी, पीसीआईटी भी होता है, लेकिन मैं आपको ना प्रिंसिपल सीआईटी भी होता है, मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं बहुत ही इसको रॉ मतलब कहते हैं ना लेमैन की तरह समझाना चाहता हूं। सीसीआईटी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सीआईटी मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इसके नीचे की पोस्ट है जेसीआईटी, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जेसीआईटी, और जेसीआईटी के नीचे होता है, आप चाहे एसीआईटी लिख लो चाहे डीसीआईटी लिख लो, दोनों पोस्ट एक ही है, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स लिखो चाहे डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स लिखो, दोनों का पोस्ट पावर, बस नेम प्लेट अपने अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। आप अपने नाम के सामने डीसी लगाना चाहते हो, आप अगर मान लो अपने नाम के सामने एसी लगाना चाहते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। इसके नीचे होता है आईटीओ, आईटीओ ये वाली नहीं, ये दिल्ली में जो आईटीओ वो नहीं, आईटीओ फुल फॉर्म आईटीओ संतोष, उसका नाम क्या आईटीओ का, इनकम टैक्स ऑफिस, मैं वो नहीं कह रहा हूं, हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स ऑफिसर की। आईटीओ एक पोस्ट है, इनकम टैक्स ऑफिसर। इसके नीचे कौन होता है? इसके नीचे होता है आईआईटी, आईआईटी का मतलब ये नहीं इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, जी नहीं, यहां है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। इसके नीचे आता है आपका एक, इसके नीचे की पोस्ट आती है टीआरओ, ये कौन है सर? टैक्स रिकवरी ऑफिसर, टैक्स रिकवरी ऑफिसर। सर सबका रोल क्या है? मैं रोल भी थोड़ा थोड़ा बता दूंगा सबका, ठीक है। और इसके नीचे कौन सी अथॉरिटी है? तो इसके नीचे कोई अथॉरिटी नहीं है, इसके नीचे है क्लर्क्स, एलडीसी यूडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, जिसकी एसएससी एग्जाम होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टेड होते हैं, तो उनकी पोस्टिंग होती है क्लर्क में, वो ऑफिसर नहीं है। बॉटम ऑफिसर, सबसे नीचे वाला ऑफिसर है टीआरओ, टैक्स रिकवरी ऑफिसर। जब टैक्स कोई नहीं देता तो रिकवरी करने यही जाता है। उसके ऊपर है इंस्पेक्टर, इसका काम है एरिया में अपना इंस्पेक्शन करना, ये देखना सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी भी शॉप में जाकर के ये इंस्पेक्शन कर सकता है। अब ये अपना स्टॉक दिखा दो, आप ये दिखा दो, आप अपना लेजर दिखा दो, ले जा कुछ नहीं सकता, सिर्फ देख सकता है, नोट कर सकता है। कई बार व्यापारी डर जाते हैं, कौन है जी आप? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, 5,000 रुपए निकाल के, 10,000 रुपए निकाल के दे देते हैं, डरते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता आपका, वो जानते क्या कर सकता है, आपकी चीजों को देख सकता है, बस पूछ सकता है, बता दो अगर आप सही है तो बता दो। लेकिन हम क्या है कि सही तो होते नहीं ना हम, अगर हम ट्रू इंडियन है, बींग ए ट्रू इंडियन, अगर हम सच्चे भारतीय हैं तो हमें थोड़ी दिक्कत होती है ट्रूली काम करने में, है ना। टीआरओ, टीआरओ के नीचे होती है जो अथॉरिटी, उसको हम लोग कहते हैं एलडीसी और यूडीसी, या इसको मैं टाइटल दे देता हूं। इसके नीचे की पोस्ट होती है क्लर्क्स की, एलडीसी यूडीसी, बस। तो सर अथॉरिटी कहां तक है? अथॉरिटी यहीं तक है जितना आपको स्क्रीन में दिख रहा है, क्लर्क से ऊपर और सीसीआईटी तक।
चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आईटीओ, आईआईटी एंड टीआरओ। सर अब आप बताइए काम क्या होता है। देखो चीफ ऑफिसर ये जो है ये सीधे सीबीटी को रिपोर्ट करता है। एक चीफ कमिश्नर के अंडर में कई सीआईटी होते हैं और हर सीआईटी के अंदर में कई एओज होते हैं। एओ क्या होता है सर? एओ पहली बार आप ये वर्ड यूज कर रहे हैं आज की क्लास में। एओ का मतलब होता है, एओ का मतलब होता है असेसिंग ऑफिसर। तो सर एओ कौन है? तो पहले आप ये देखो एओ कौन है। ये एओ है, ये वाली पोस्ट असेसिंग ऑफिसर, ये है एओ। सर नहीं समझ में आया कौन है ये एओ? असेसिंग ऑफिसर। हाँ तो क्या होता है असेसिंग ऑफिसर? ये वो ऑफिसर है जो असेसमेंट करते हैं। अच्छा, जो केस की स्क्रूटनी को देखते हैं। जी हाँ ये वही है। तो सर तीन तीन हायरार्की क्यों है इसमें, तीन अलग अलग पोस्ट? एक्चुअली वर्क इज डिवाइडेड अमंगस्ट देम, काम बांट दिया गया। जैसे मान लो सीबीडीटी का काम है ये, 20 लाख रुपए तक की टोटल इनकम की रिटर्न आईटीओ देखेगा, 20 से 50 तक एसीडीसी देखेगा, 50 लाख से ऊपर वाली जेसी देखेगा। डिवीजन ऑफ वर्क, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क थ्री ऑफिसर्स आर इन्वॉल्व हियर एज ए असेसिंग ऑफिसर। एंड असेसिंग ऑफिसर वही है जो आपकी इनकम की जांच करता है, टैक्स की कंपटीशन करता है, आपकी लायबिलिटी निकालता है, आप पर पेनाल्टी लगाता है, इंटरेस्ट लगाता है, जो भी है सारा काम इन्हीं का है। तो असेसिंग ऑफिसर का मतलब जेसी से लेके आईटीओ तक। सर जेसी में कौन है? नॉर्मली ये आईएएस ऑफिसर होते हैं, ये पोस्ट, ये दोनों आईएएस ऑफिसर की पोस्ट है। ये नॉर्मली एसएससी एग्जाम पास करके या प्रमोशन के थ्रू आते हैं। 9 साल में एक बार प्रमोशन मिलती है इसकी। अभी तो खैर मैं नहीं कह सकता, आई एम नॉट श्योर, लेकिन पहले तो बहुत करप्शन था, ठीक है। अभी जब से ये ई असेसमेंट आ गया है, घर बैठे असेसमेंट करवाओ, वरना सबसे ज्यादा करप्शन इस लेवल पे था, क्योंकि सबसे बॉटम असेसिंग ऑफिसर, ठीक है। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं, पूरी तरह से सुधर गई है, इसका दावा मैं नहीं करता, लेकिन बदली जरूर है, ठीक है। ये आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, इसके ऊपर सब आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। जैसे होता है ना, आईएएस पास करने के बाद आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो आपको यही पोस्ट मिलती है, एसी या एसी से ऊपर। और एसी के नीचे ये सब ग्रेजुएट होते हैं, या तो प्रमोशन के थ्रू आते हैं या एसएससी एग्जाम वगैरह यूपीएससी करवाती है ना, उस एग्जाम को पास करके आते हैं। तो ये आपकी अथॉरिटी है। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी ज्यादा? हमारे पूरे सब्जेक्ट में आपको हर प्रोविजन में मोरलेस, ज्यादातर प्रोविजन में आपको एओ 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 नजर आएगा, असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर। और असेसिंग ऑफिसर का मतलब जेसी एसीडीसी आईटीओ, जेसी एसीडीसी आईटीओ। जब तक स्पेसिफिकली नाम न ले तब तक एओ का मतलब ये तीनों है। तीन क्यों है? तो वर्क डिवीजन है। वर्क डिवीजन का क्राइटेरिया इनकम इन्वॉल्व इन द केस, इनकम के हिसाब से, ठीक है। इसके ऊपर ये एओ का बॉस कौन है? सीआईटी। और सीआईटी का बॉस ये, एक सीआईटी के अंडर में एक सीसीआईटी के अंडर में एक सीआईटी, और उसके अंडर में कई एओज, यानी इस तरह से हायरार्की बनती है। चलिए क्यों बता रहे हो सर आप? जस्ट यही बताने के लिए कि जिस इनकम टैक्स अथॉरिटी की बात मैं कर रहा था वो ये बंदा है, जिसकी बात अब तक हम लोग कर रहे थे, टैक्स अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी, वो यही टैक्स अथॉरिटी है। दूसरी तरफ ऑफ स्क्रीन कौन है सर? तो ऑफ स्क्रीन में, ऑफ स्क्रीन में डीजीआईटी, ये कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। सर ये डायरेक्टर कहां से आ गया? तो डायरेक्टर कहां होता है? पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे मतलब ऑफ स्क्रीन, यानी लॉ बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन देखना, पॉलिसीज बनाना, कौन देखेगा उसके लिए? तो सब चीज, सब एक्टर ही हो जाएंगे तो डायरेक्टर कौन रहेगा? कंटेंट ही नहीं होगा, डायलॉग ही नहीं होगा, तो एक्टर बोलेगा क्या? डीजीआईटी के नीचे डीआईटी, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, उसके नीचे जेडीआईटी, ज्वाइंट डायरेक्टर। कमिश्नर की जगह डायरेक्टर वर्ड हो रहा है, ठीक है। जेडीआईटी के नीचे एडीआईटी, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, या फिर डीडीआईटी, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। इसके नीचे कोई पोस्ट नहीं होती इसमें। इसके नीचे यहां होते हैं क्लर्क्स,
एलडीसी ऑब्लिक यूडीसी क्लर्क होते हैं। सर दोनों का रोल थोड़ा सा ब्रीफली डिफाइन करें तो एक का एक्टिव रोल है, दूसरे का पैसिव रोल है। एक का एक्टिव रोल है, दूसरे का पैसिव रोल है। एक स्क्रीन के पीछे से एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा है, एक पर्दे के ऊपर। जिनको आप देख सकते हैं वो कौन है? ये ऑन स्क्रीन वाले, इनसे आप मिल सकते हैं। सर ये कहां पाए जाते हैं? ये इनकम टैक्स ऑफिस में पाए जाते हैं। ये कहां है? आईटीओ पर। जैसे जमुना पार करोगे लेफ्ट साइड में पुलिस हेडक्वार्टर के अपोजिट में रेवेन्यू बिल्डिंग है, 1930 में बनी थी ये, 1930 में, और हम अब 90 वर्ष से ऊपर हो गए उसको बने हुए, लेकिन उस बिल्डिंग में अभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। यानी आज से 100 साल पहले भी उतनी बड़ी बिल्डिंग थी, आज भी उतनी बड़ी बिल्डिंग है, आबादी कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन उसमें कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। खैर वो बात अलग है। वहां आप जाएंगे तो आपको एसी डीसी सब मिलेंगे। सर दिखने में कैसे होते हैं? इत्तेफाक से इंसान की तरह दिखते हैं ये, दे आर नॉट एलियंस, कोई दूसरे ग्रह के नहीं है, इसी ग्रह के हैं, पढ़े लिखे भी हैं और सामान्य तरीके से, बस उनके पास अधिकार है। इनसे आपका इंटरेक्शन होता है, जब आपको किसी ऑफिसर से मिलना हो तो इन्हीं से मिलना होता है। सर मैं ऑफ स्क्रीन वाले लोगों से मिलना चाहता हूं, नहीं मिल सकते आप, डायरेक्टर कैटेगरी से आप नहीं मिल सकते, दे डोंट डील विथ पब्लिक, उनका काम है सिर्फ डिपार्टमेंट के अंदर से काम करना। ठीक है, तो यही वो अथॉरिटी है जिसकी हम बात कर रहे थे। जी हाँ, ये आप कहां से आए थे? हम लोग सर ये हम लोग ये आए थे उस जगह से जहां हम बात कर रहे थे इनकम टैक्स अथॉरिटी की। दो इसके मेजर प्लेयर हैं, किधर गया भैया वो दो मेजर प्लेयर, कहां मैं बता रहा था आपको, इनकम टैक्स अथॉरिटी, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये जो हम लोग यहां देख रहे थे ना कि एक तरफ टैक्स पेयर है करदाता और दूसरी तरफ कर अधिकारी। कर अधिकारी का मतलब यहां पर वैसे तो सारे कर अधिकारी है, लेकिन जो असेसमेंट ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर है, वो है आपके जेसी एसीडीसी आईटीओ। तो इन्हीं दोनों के बीच का ये खेल है, यानी हमारे इस सब्जेक्ट का जो खेल है, हम इसको खेल ही कहेंगे एक तरह से, इस खेल के दो ही मुख्य प्लेयर हैं। एक तरफ असेसी है, दूसरी तरफ असेसिंग ऑफिसर है। अब आप समझ गए होंगे असेसिंग ऑफिसर में किसकी बात कर रहा हूं, जेसी एसीडीसी आईटीओ, और इनके बीच में और इन दोनों के बीच का जो ढिसुम ढिसुम यानी झगड़ा है वो किस बात को लेके है? टोटल इनकम को लेके। सर आप टोटल इनकम क्यों लिख रहे हैं? इनकम टैक्स लिखिए भाई, देखो टैक्स तो टोटल इनकम पे निकलना है। इनकम बढ़ी टैक्स बढ़ा, इनकम घटा टैक्स घटा, तो सारा झमेला टैक्स का ही है। और इसकी कोशिश होती है इनकम को कम करके दिखाना, बींग ए ट्रू इंडियन, सच्चा भारतीय अपना धर्म कभी नहीं भूलता, अपनी इनकम को पूरी कोशिश करेगा कम से कम दिखाने की, उसका बस चले तो ना दिखाए। लेकिन आजकल बड़ी परेशानी हो जाती है, आजकल आप मोटर कार खरीदने जाओ तो कैश में नहीं मिलती, 50,000 से ऊपर की पेमेंट करने जाओ तो कैश में कुछ खरीद नहीं सकते, खरीदो तो पैन नंबर देना पड़ता है। सरकार ने इतने कंट्रोल डाल दिए हैं कि मजबूरी में टैक्स देना पड़ जाता है, वरना सच्चा भारतीय वो जो देगा कुछ नहीं लेगा सब कुछ। भोजपुरी में कहावत है, करब कुछ हो ना लेकिन चाहिए हमरा के सब कुछ, यानी करेंगे कुछ भी नहीं लेकिन हमको चाहिए सब कुछ। हमारे क्या एज ए ड्यूटीज है एज ए सिटीजन वो मुझे मत बताओ, मेरे राइट्स क्या है वो मुझे पता है, कर्तव्य मुझे जानना नहीं है, अधिकार का मुझे जानकारी पूरी है। तो ये वो थोड़ा सा देश से दिक्कत है। आप देखो ना बाकी के देशों में आज हम लोग कंपैरिजन करते हैं, सर अमेरिका में ऐसा, सर स्विट्जरलैंड में ये वो, अरे भाई साहब वहां टैक्स पे करने वाले लोगों की संख्या मोर देन 70-60% है और हमारे यहां 3%। और देश इतना बड़ा कि शुरू होता है खत्म नहीं होता, आबादी इतनी कि देखने का मन नहीं करता कई बार, कि इतने लोग, कई लोगों को सब इतनी भीड़ जाने का मन नहीं करता।
और जब ओवर सप्लाई किसी चीज की हो जाए तो उसकी कदर कम हो जाती है। हमारे यहां कौन मरा, कौन जिया, कौन कटा, कौन फंसा, हु केयर्स, गरिमा बन। इंसान कम हो तो एक दूसरे से प्यार करे, एक दूसरे की से कहते ना इंतजार करे, एक दूसरे से मिलना चाहे। यहां तो इतने लोग हैं कि लोग भागना चाहते हैं, तो बहुत फर्क है। खैर, तो ये हमारे खिलाड़ियों का है, दो खिलाड़ी सॉलिड वाले, एक तरफ टैक्स देने वाला और दूसरी तरफ टैक्स लेने वाला, और ये बीच का जो फुटबॉल है, इस फुटबॉल का नाम है टोटल इनकम, इसी को निकालना है और इसी पर टैक्स कंप्यूट करना है, इसी का पेमेंट करना है, इसी की रिटर्न फाइल करनी है, इसी का असेसमेंट होना है, फिर एक साल का हिसाब किताब खत्म, फिर नया हिसाब, फिर नया साल। ठीक है सर, आगे क्या है? आगे ये है कि करना क्या है भाई, टोटल इनकम निकालना है पहला स्टेप। सर टोटल इनकम निकालना मुझे नहीं आता, तो मैं कैसे इसको निकालूंगा? हम यहां थे, अब आगे चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर सोर्स ऑफ स्टडी क्या है? हम अपनी स्टडी का सोर्स क्या लेंगे? सोर्स मतलब आप कहां से अपने उस नॉलेज को गेन कर पाएंगे जिस नॉलेज के बेस पर आप अपनी टोटल इनकम निकाल सको, टैक्स निकाल सको, ये सारी चीज हम कैसे कर पाएंगे? सर हम तो भी एकदम नए हैं, बिल्कुल नए आप, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्टडी का सोर्स क्या होगा। तो आइए इसको नोट करते हैं हम लोग, सोर्सेस ऑफ स्टडी, सोर्सेस ऑफ स्टडी। पहला सोर्स, देर आर फाइव सोर्सेस। पहला सोर्स, आप अपनी स्टडी कहां से करेंगे? तो पहला सोर्स का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। पहला सोर्स आपका, आपको यहां से पढ़ना है। सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हम सब कुछ पढ़ेंगे? जी नहीं, आप सिलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ेंगे, सिलेक्टिव चैप्टर्स आपके सिलेबस में, सिलेक्टिव चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स नहीं है। ठीक है, तो सर सारे कब पढ़ेंगे? जब आप सीए फाइनल में चले जाएंगे, सीएमए फाइनल, सीएस फाइनल में सब कुछ पढ़ते हैं, फाइनल लेवल पर पढ़ते हैं हम लोग, तो इस वक्त सिलेक्टिव पढ़ेंगे। सर ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, देश आजाद हुआ 1947 में, तो क्या हमारे देश में आजादी के बाद 14 साल तक कोई एक्ट था ही नहीं इनकम टैक्स का? नहीं था, उससे पहले हुआ करता था इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, जो अंग्रेजों ने बनाया था 1922 में, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1922। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस हम उसी से ऑपरेट हो रहे थे, लेकिन 61 में जाकर के फिर एक आजाद हिंदुस्तान का एक आजाद मॉडिफाइड एक्ट बना। पहला सोर्स ये है। सिलेक्टिव चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो चलो मैं थोड़ी सी लिस्ट दे देता हूं। हम पढ़ेंगे चैप्टर रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, 4, 5, 6A एंड फ्यू अदर्स, मतलब ज्यादा नहीं है इसलिए मैं फ्यू वर्ड ऐड कर रहा हूं। सच बताऊं तो ये जो आप चैप्टर 1 से लेकर के 6A तक देख रहे हैं, ये आपके सिलेबस का 85% 82-85% है। इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं,
सिली चैप्टर है क्या, आते हैं उस पर भी आएंगे। सेकेंड सोर्स ऑफ स्टडी, सेकेंड सोर्स ऑफ स्टडी है इनकम टैक्स रूल्स 1962। सर रूल्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग? भाई देखो रूल्स में ये पढ़ेंगे, आप तो इतना जानते ही होंगे कि ये कहा जाता है कि आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर पैन होना चाहिए। हाँ सर ये तो सुना हमने, तो पैन आपके पास होना चाहिए, बट हाउ यू विल अप्लाई फॉर पैन, ये एक्ट में नहीं लिखा है। एक्ट कहता है यू शुड हैव ए पैन, बट हाउ यू विल अप्लाई फॉर दैट, दैट इज गिवन इन रूल। रूल इज एक्सपेंडेड फर्दर। रूल्स जो है वो अगेंस्ट ऑफ एक्ट नहीं हो सकते एंड बियॉन्ड ऑफ एक्ट भी नहीं हो सकते। रूल्स मस्ट बी विद इन द एक्ट, इट शुडंट बी अल्ट्रा वायरस टू द एक्ट, एक्ट के अंदर ही होता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल है हाउस रेंट अलाउंस एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है, तो उसमें एग्जम्पशन की कैलकुलेशन है, तो एग्जम्पशन की कैलकुलेशन कैसे होगी, तो ये रूल्स ने बताया। आपके पास एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, सर उसको बायफर्केट कैसे करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स है, तो बायफर्केट करने के लिए रूल्स बनाए गए। तो रूल्स आर सप्लीमेंट्री टू एक्ट, सप्लीमेंट्री सपोर्टिंग है, एंड रूल्स मस्ट बी विद इन द एक्ट, इट शुड नॉट बी बियॉन्ड द एक्ट। तो सर रूल्स हम लोग पढ़ेंगे, हाँ कितने, बहुत सिलेक्टिव, जैसे मैं लिख ही देता हूं, सिलेक्टिव रूल्स आर Selective rules are rule 3, 4, और भी है, 2A भी है, 7 है, 7A है, 7B है, 8 है, बस इतने से एक दो रूल और होंगे। 115A है, तो सेकेंड सोर्स हमारा इनकम टैक्स रूल्स होगा। थर्ड होगा फिनांस एक्ट। सर ये क्या होता है? चलो जी ये जानना आपके लिए जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट सी लर्निंग आपकी। आप लोग इतना सुना ही होगा कि बजट, बजट सुना है? बजट क्या है? फोरकास्ट, भविष्यवाणी, किस बात की? आने वाले फाइनेंशियल ईयर के एस्टिमेटेड इनकम क्या होंगे सरकार के और एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस क्या होगा। एस्टिमेटेड इनकम, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, इसका ब्यौरा सरकार फिनांस मिनिस्टर के थ्रू हर साल फरवरी के महीने में पेश करती है। पहले यह बजट फरवरी की अंतिम तारीख को प्रेजेंट होता था, 28 या 29 फरवरी, और शाम को 5 बजे होता था। कब तक? 1998 तक। कितने वर्ष हो गए? 13 वर्ष पहले तक हमारे यहां बजट शाम को 5 बजे प्रेजेंट होता था पार्लियामेंट में। फिनांस मिनिस्टर आते थे, वो बजट के माध्यम से ये बताना चाहते थे देश की जनता को और पार्लियामेंट के मेंबर को कि सरकार की रेवेन्यू इस प्रकार से होगी और इसके खर्च इस प्रकार से होंगे, हम एजुकेशन कितना खर्च करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट कितना करेंगे, है ना, हम मेडिकल पे ये करेंगे, वो सारा खर्च अपना बताते शाम को 5 बजे। सर शाम के 5 बजे क्या रेलिवेंस है? वो रेलिवेंस ये है कि जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का राज होता था तो इंग्लैंड में यानी कि यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, जब वहां बजट प्रेजेंट होता था तो सेम टाइम पर हर उस देश में बजट प्रेजेंट होता था जिनमें उनका राज था, तो उस समय हमारे यहां 5 बजते थे, जब उनके यहां 11:30-12 बजते थे तो यहां 5 बजे के आसपास टाइम होता था। यानी हम आजाद तो हो गए थे 1947 में, लेकिन मेंटली हम गुलाम थे 98 तक। क्या हमारे यहां इंडिया में 11 नहीं बजते क्या सुबह के? दोपहर के 11 बजते हैं ना, क्या हम अपना बजट 11 बजे नहीं प्रेजेंट कर सकते? लेकिन नहीं, वही 5 बजे करेंगे, राइट? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उस समय की, क्योंकि उस समय तक तो ज्यादातर देश में राज कांग्रेस नहीं किया, तो कांग्रेस को अंग्रेज पसंद है,
जैसे कि बेबी को बेस पसंद है, अपनी अपनी च्वाइस है, वो लोग नहीं चेंज किए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब आए तो उन्होंने कहा नहीं, बजट शाम को नहीं, दोपहर में, मतलब सुबह दोपहर में 11:30 बजे 12 बजे के आसपास प्रेजेंट हो। तब से चलो जी 1998 से फिर सुबह प्रेजेंट होने लगा। उसके बाद कांग्रेस आई, वो भी सुबह ही प्रेजेंट करती थी। मोदी जी ने फिर चेंज कर दिया। अब कहा मोदी जी ने कि टाइम वाइम तो ठीक है, लेकिन बजट अब फरवरी के लास्ट में नहीं प्रेजेंट होगा, फरवरी के फर्स्ट डे में होगा। अब इसके पीछे बड़ा बवाल मचा, ऐसा क्यों, क्यों चेंज कर रहे हैं? तो उसकी वजह थी, हर चीज की वजह होती है। हम लोग चेंज करने पे, हम लोग बहुत सी चीजों को चेंज नहीं किए हैं, ये सरकार बहुत सी चीज बदल रही है, आप भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। हम लोग सिर्फ देश चला रहे थे, ऐसे जैसे होता नहीं एक पिट्ठू की तरह चलाए जा रहे, नहीं यार, जरूरत देश के हिसाब से बदलाव की जरूरत है, तो बदलाव होना चाहिए। इन्होंने कहा कि हम 1 फरवरी को करेंगे। वो इसलिए बजट जब फरवरी के लास्ट में प्रेजेंट होता था तो बजट प्रेजेंट होने के बाद 75 दिनों तक उसको पास होने का टाइम लगता था। 75 दिन बजट प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होने के बाद 75 दिन में पास होता है। और जब वो 75 दिन होते थे तब तक हो जाता था 13-14 मई। अब 13-14 मई होता था जब तक पास होता था, और बजट में जो एलोकेशन था वो प्रॉपर तरीके से एलोकेशन होता ही नहीं था। उससे पहले केरला में मानसून आ जाता था, मई में स्टार्ट हो जाता है, मानसून आधा चढ़ जाता था तब तक एलोकेशन भी नहीं हो रहा था, यानी कि बरसात का फायदा किसान नहीं उठा पाते थे। तो मोदी ने कहा कि हम फैब के एंड की जगह फैब की बिगिनिंग में कर देंगे, तो हमें 30 दिन पहले हमारा बजट पास होगा, तो हम पहले कुछ और कर पाएंगे। तो ये कुछ हिस्टोरिकल पॉलिटिकल बातें हैं। तो बजट फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है, जिसमें वो प्रपोजल लेके आता है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हम इस लॉ में ये चेंज कर रहे हैं, इसका टैक्स रेट बढ़ा रहे हैं, इसका टैक्स रेट घटा रहे हैं, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इस इनकम को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, इस इनकम को हम नया टैक्सेबल कर रहे हैं, इस प्रोविजन की लैंग्वेज ये चेंज हो रही है, एक नया प्रोविजन आ रहा है, पुराना जा रहा है, यानी जो भी बदलाव उसको करना है। कैसे करता है वो? बजट के थ्रू। बजट जब प्रेजेंट होता है तो उसको हम फाइनेंस बिल कहते हैं, फाइनेंस बिल, और जब पास हो जाता है तो उसको फाइनेंस एक्ट कहते हैं। पेस होने और पास होने के बीच में 75 दिन का मैक्सिमम फासला होता है। 75 दिन के अंदर आपको पास करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका बिल सस्पेंडेड हो जाएगा। तो आप क्यों बता रहे हैं हमें ये? मैं इसलिए बता रहा हूं कि इनकम टैक्स के जो रेट्स हैं, ना तो वो इनकम टैक्स एक्ट में है और ना ही वो इनकम टैक्स रूल्स में है। इनकम टैक्स के रेट हर साल फिक्स किए जाते हैं फिनांस एक्ट के थ्रू। तो हम कौन सा फिनांस एक्ट पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं फिनांस एक्ट 2021, ठीक है? क्यों पढ़ना है? क्योंकि टैक्स रेट इसी में होते हैं। तो क्या सर सारे के सारे टैक्स रेट फिनांस एक्ट में ही होते हैं? जी नहीं, मैं ये भी नहीं कहना चाहूंगा। कुछ स्पेसिफिक रेट्स हैं, जैसे आपको आगे चल के पता चलेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉटरी इनकम, ये कुछ ऐसे इनकम है जिसके रेट्स इनकम टैक्स एक्ट में फिक्स्ड है, वो इसी एक्ट में जो चेंज होते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा 2-3 रेट के अलावा बाकी जितने भी, यानी मेजोरिटी ऑफ टैक्स रेट जो है वो फिनांस एक्ट में होते हैं। तो तीसरी सोर्स ऑफ स्टडी हमारी होगी फिनांस एक्ट। चौथे में आता आपका नोटिफिकेशन पब्लिक सर्कुलर्स। देखो बजट के समय में पेश होगा, ठीक है, जो कि फरवरी के बिगिनिंग में होगा। अब साल में एक बार ही बजट आता है, लेकिन मान लो कोई लॉ में कुछ चेंज करना हो, मेरी बात समझिएगा, लॉ में कुछ चेंज करना हो और फरवरी आने में 10 महीने हैं, लॉ की जरूरत आ जाए तो हम क्या करेंगे भाई? ये कह देंगे नहीं, अब तो फरवरी में ही कुछ होगा। तो गवर्नमेंट के पास ये पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो नोटिफिकेशन के थ्रू कोई भी अमेंडमेंट ला सकती है। नोटिफिकेशन के थ्रू वो अमेंडमेंट ले आ सकती है। कोई रूल में अमेंडमेंट लाना है, नोटिफिकेशन के थ्रू आ सकता है। तो नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर क्या होता है? कोई मैसेज, कोई मतलब ऐसा कोई मैटर है जो कि सर्कुलेट किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स को सर्कुलेट करती है, पब्लिक को सर्कुलेट करती है। तो सर हम नोटिफिकेशन सर्कुलर भी पढ़ेंगे क्या? देखो हमारी स्टडी का पार्ट जरूर है,
एक आध दो नोटिफिकेशन भी पढ़ेंगे, एक या दो पढ़ेंगे, लेकिन फाइनल में जाके इसको आपको काफी पढ़ना पड़ता है। एंड आखिरी सोर्स है हमारा, लास्ट सोर्स, वो है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। वैधानिक घोषणा, ये क्या है सर, वैधानिक घोषणा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन भी पढ़ाओगे हमें? यस, चार पांच डिसीजन हैं जो आपको पढ़ने होंगे। क्या होते हैं ये डिसीजन का क्या रोल है? अब सुनो क्या रोल है। सपोज फॉर एग्जांपल ऐसे आप ले लो कि सर ये हाईवे है, किसी की फैक्ट्री इस जगह पर है, फैक्ट्री किसी एसएससी की फैक्ट्री यहां पर है, तो सर हाईवे से उसने एक कनेक्टिंग रोड बना दिया ताकि उसको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत ना हो। सर ये जो कनेक्टिंग जो रोड बना, ये जो कनेक्टिंग रोड है सर, ये वाली रोड जो है इस एसएससी की अपनी नहीं है, ये सरकारी जमीन है, और सरकारी जमीन पर इसने रोड बना दिया 20 लाख रुपए का, यानी एक ऐसी जमीन पर रोड बना दिया जो उसकी अपनी नहीं है। ठीक है, सरकार की परमिशन ली गई होगी या नहीं भी लेते हैं आजकल, सरकार की जमीन है, सड़क बना दी, कनेक्टिंग रोड बना दी, अब 20 लाख रुपए इसने खर्च कर दिए। अब ये 20 लाख रुपए का खर्चा इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहता है। अब मान लिया जाए, एक एग्जांपल हो, 10% अगर डेप्रिसिएशन है तो 20 लाख का 10% 2 लाख, 2 लाख पीएल में डेबिट होंगे। अब 2 लाख पीएल में डेबिट होंगे तो प्रॉफिट 2 लाख घटेगी, तो एसएससी ने 2 लाख रुपए घटा के अपनी रिटर्न जमा करवा दी। एओ ने कहा कि नहीं भैया, हम आपको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे। क्यों भाई? अरे भाई साहब, आपने जो जमीन यूज की वो तो आपकी है ही, वो डिसअलाउ करेगा, डिसअलाउ करेगा तो प्रॉफिट 2 लाख बढ़ जाएगा। मैं कह रहा हूं मैंने अलाउ कर दिया अपनी कंपटीशन में, जबकि वो अपनी कंपटीशन में डिसअलाउ कर रहा है उसको, डिसअलाउ मतलब डेबिट से हटा रहा है, तो प्रॉफिट बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रही है टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ रहा है तो सिर्फ टैक्स ही नहीं बढ़ रहा है, पेनल्टी बढ़ रही है, इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्स अब लेट से मिलेगा उसको। तो मामला पहुंच गया कोर्ट में, कोर्ट ने एक फैसला दिया, डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं उस फैसले में नहीं जा रहा हूं, लेकिन वो फैसला जो भी है क्या हमें पढ़ना है? जी हां, फाइनल में तो बहुत पढ़ना है, लेकिन इस इंटरमीडिएट लेवल पे आपको सिलेक्टिव पढ़ना है 5-7-6 जो कि लॉजिकल भी है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हम डिसीजंस पढ़ेंगे, यस आप पढ़ेंगे सिलेक्टिव मोड में, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे लेकिन सिलेक्टिव मोड में जरूर पढ़ेंगे आप। ओके फाइन, तो सर हमारी सोर्स ऑफ स्टडी क्या है? ये देखो सोर्स ऑफ स्टडी, 5 सोर्सेस। नंबर 1 इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल 1962, फाइनेंस एक्ट, नोटिफिकेशन सर्कुलर, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। सर हमें याद रखना है? बिल्कुल नहीं। सर याद हो गया तो डोंट माइंड, अब याद हो गया तो क्या कर सकते हो, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, ये हमें जानना है। मैं एक सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूं अगली क्लास से, मुझे पता होना चाहिए कि मैं कहां से पढ़ूंगा, मुझे पता होना चाहिए ये स्टडी मैं कहां से कर रहा हूं। ठीक है, तो सर ये सोर्स ऑफ स्टडी है, यस ओके। अब सोर्स ऑफ स्टडी के बाद हमें ये बताया जाए कि हमारा सिलेबस क्या है, टारगेट क्या है। बस दो चीजें आज की क्लास में मैं और कवर करूंगा, सिलेबस एंड टारगेट आज की क्लास में। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा सिलेबस की। लेकिन सिलेबस से पहले एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो आपको जाननी चाहिए। कोई भी एक्ट डिवाइडेड होता है चैप्टर में, जब एक्ट खोलोगे ना चैप्टर 1 चैप्टर 2, और चैप्टर फर्दर डिवाइडेड होता है सेक्शंस में, सेक्शंस फर्दर डिवाइड होता है सब सेक्शंस में, एंड सब सेक्शंस आर फर्दर डिवाइडेड इंटू क्लॉज, क्लॉज आर फर्दर डिवाइडेड इंटू सब क्लॉज, एंड इसके आगे सब क्लॉज इज डिवाइडेड इंटू आइटम, एंड आइटम्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू सब आइटम। इसके बाद कोई डिवीजन नहीं है लॉ के। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 36, जैसे एक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट,
इसका है चैप्टर 4D। अब 4D में एक सेक्शन है 36। जैसे पहले चैप्टर में दो सेक्शन है 1-2, दूसरे चैप्टर में सेक्शन 3-9 है, तीसरे चैप्टर में 10-13 भी है, वैसे हर चैप्टर में सेक्शन है। 36 सब सेक्शन 1 यानी कि सेक्शन 36 का पहला पॉइंट सब सेक्शन के सी पॉइंट यानी सब सेक्शन सी में, ये रोमन 1 लिख लो, ठीक है, क्लॉज रोमन 1 या रोमन 3 यानी उसके तीसरे क्लॉज में, यानी कि सेक्शन 36 के पहले पॉइंट के सी पार्ट में, ए बी को छोड़ते हुए सी पार्ट में, सी पार्ट के रोमन 1 रोमन 2 को छोड़ते हुए थर्ड पार्ट में, तो ये हो गया सेक्शन, ये हो गया सब सेक्शन, ये हो गया क्लॉज सब क्लॉज, आइटम कैपिटल ए सब आइटम डी। अगर हम ये लिख रहे हैं तो हम जानते हो जब इस तरह से कोई सेक्शन लिखते हैं तो हम बात कर रहे हैं इस पोर्शन के एक्सट्रीम राइट में जो पोर्शन है ना, हम इसको कोट कर रहे हैं। अगर हम सब सेक्शन 1 को कोट करना चाहते हैं तो इसके बाद हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से डिवीजन होता है। ये डिवीजन इसलिए जरूरी था क्योंकि मुझे आपको सिलेबस बताना था, और सिलेबस जब बताऊंगा तो मैं चैप्टर लिखूंगा, और चैप्टर लिखूंगा तो आपका सवाल उठेगा, सर सिलेबस में चैप्टर का क्या मतलब, चैप्टर क्या हमारी बुक का जवाब दोगे, जी नहीं, ये चैप्टर मेरी बुक का नहीं है, ये चैप्टर इनकम टैक्स एक्ट का है। चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने हैं, टाइटल क्या है उस चैप्टर का, और उसमें कौन कौन से सेक्शंस कवर होंगे, यानी इनफैक्ट देखा जाए तो मैं आपको आपका सिलेबस ही बता रहा हूं। चैप्टर 1 रोमन में कैपिटल में, इसका टाइटल है इंट्रोडक्शन। इसके अंदर दो सेक्शन है 1 और 2। पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे जिसमें दो सब सेक्शन है। सर सेक्शन 1 क्या होता है, नॉर्मली आप सेक्शन 1 नहीं पढ़ते, सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन होता है, वो ये कहता है कौन हूं मैं, मेरा नाम क्या है, मैं कहां से आया हूं और कहां कहां अप्लाई होता हूं। मैं हूं इनकम टैक्स एक्ट, मुझे पार्लियामेंट ने पास किया है, मैं 1 अप्रैल 1961 से लागू होता हूं और पूरे भारत में लागू होता हूं। ये अपना परिचय देता है, और किसी भी एक्ट का परिचय सेक्शन 1 में होता है इंट्रोडक्शन। ये पूरे इंडिया के सभी एक्ट में सेक्शन 1 में आपको यही मिलेगा, उसका नाम कब पास हुआ, कहां से पास हुआ, कहां कहां अप्लाई होता है। सर ये क्या कहने की जरूरत थी कि मैं पूरे भारत में लागू होता हूं, ऑफ कोर्स भारत में लागू होगा, जी नहीं, धारा 370 हटने से पहले, धारा 370 हटने से पहले, आज की डेट में धारा 370 हट गई, अब समस्या नहीं हमारे देश में, अब हमारे देश में ऐसी कोई समस्या नहीं है। पहले क्या था, कोई भी कानून अगर जम्मू कश्मीर में लागू करवाना होता था तो हमें जम्मू कश्मीर की सहमति लेनी पड़ती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहले कहना पड़ता था मैं पूरे भारत में लागू होता हूं, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो सर सेक्शन 1 नहीं पढ़ेंगे हम, क्या करना है, हमें पता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, 1 अप्रैल 1961 से अप्लाई हो रहा है और पूरे भारत में अप्लाई होता है। तो सर 2 में क्या होता है, तो नॉर्मली सेक्शन 2 किसी भी एक्ट में, चाहे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, कोई भी एक्ट आप पढ़ोगे इंडिया में, इसके अंदर डेफिनेशंस होते हैं। सर डेफिनेशन किस बात की, भाई देखो ऐसा है, जिस एक्ट को तुम पढ़ने जा रहे हो उस एक्ट में कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि अभी भी आपने देखा असेसमेंट, ये वर्ड आपके लिए नया था, एक नए, अच्छा तो सर नया था तो असेसमेंट की मीनिंग हम डिक्शनरी में देख सकते हैं, डिक्शनरी में लिटरल मीनिंग मिलेगी, लेकिन जब किसी वर्ड को किसी पर्टिकुलर एक्ट में पर्टिकुलर पर्पस के साथ डिफाइन किया जाए तो वो उस एक्ट की जिम्मेवारी है कि उस वर्ड को वो डिफाइन करे। तो सर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, जी हाँ पढ़ेंगे ना, कितने 4-5 है, कितने वैसे तो है करीब 60 के आसपास, लेकिन 5-6 हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में। तो ये है पहला चैप्टर। अब आइए दूसरा चैप्टर, दूसरे चैप्टर में है बेसिक ऑफ इनकम टैक्स। सर ये बेसिक वाली क्या बात है, तो इसके अंदर आते हैं सेक्शन 3 से लेकर 9 तक। सर इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, 3 से 9 में, 3 से 9 में आप जो भी पढ़ोगे ये मान के चलो इंस्टीट्यूट आपको 10 नंबर दे रही है। चैप्टर 2 मतलब 10 नंबर, जैसे ठंडा मतलब कोको कोला होता है ना, चैप्टर 2 का मतलब 10 नंबर, आपके 10 नंबर कंफर्म है, चाहे वो कैसे भी पूछे उसको 10 नंबर 8 नंबर 10 नंबर देने ही देने हैं, वो मिस नहीं कर सकता।
तो इसमें पढ़ेंगे क्या हम? इसमें हम पढ़ेंगे कौन सी इनकम, किस पीरियड की इनकम, किस पीरियड में टैक्स होगी, टैक्स का रेट क्या होगा, टोटल इनकम में कौन सी इनकम शामिल होगी, कौन सी इनकम शामिल नहीं होगी। अगर धोनी यहां से ऑस्ट्रेलिया जाकर के मैन ऑफ द मैच जीतता है $10,000, तो वो इनकम में जोड़ी जाएगी या नहीं जोड़ी जाएगी। अब बड़े सवाल है, बहुत सवाल है, इन सभी सवाल का जवाब सेक्शन 329 में, बेसिक फंडामेंटल क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। टोटल इनकम के दायरे में कौन कौन सी इनकम आएगी एरिना में, कौन सी इनकम एरिना से बाहर रहेगी, फिर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या, आपने सुना होगा रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, ये सब वर्ड सुनते होंगे आप, ये सब कुछ सीखने वाले हो इसी बेसिक में। इस बेसिक को सीखने के बाद दो बातें होंगी, एक तो आप अपने सब्जेक्ट का आधार तैयार कर लोगे, बेस तैयार कर लोगे, और दूसरा 10 नंबर कंफर्म कर लोगे, ठीक है। इसमें हमें करीब 7 लेक्चर लगते हैं, 7-8 भी लग सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो आप 1 घंटे में भी पूरा बेसिक खत्म हो सकता है, लेकिन समझने के लिए समय देना पड़ता है। देखो भाई, मैं कोई सुभाष चंद्र बोस तो हूं नहीं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आई एम ए टीचर, टीचर रिक्वायर्स टाइम ओनली, यू गिव योर टाइम एंड अटेंशन एंड लर्न द थिंग्स फ्रॉम मी। तुम्हें सिर्फ टाइम और अटेंशन, टाइम देना है, अटेंशन देना है, फिर जो सीखना है सीख लो, और जितना लॉजिकल सीखना है उतना लॉजिकल सीख लो। तो तीसरा चैप्टर क्या है सर? देखो तीसरे चैप्टर में क्या है, एग्जेम्प्टेड इनकम की बात की गई है। सर ये एग्जेम्प्टेड क्या होता है? एग्जेम्प्टेड मतलब वो जो कर से मुक्त हो, जिस पर टैक्स नहीं लगता। सर ऐसी कौन सी इनकम हो सकती है जिसको कर, जिस पर टैक्स नहीं लगता? अब मान लिया जाए बिहार में कोसी नदी में बाढ़ आ गई, कोसी नदी में बाढ़ आ गई, बाढ़ में 150 लोग गायब हो गए, पता चला उसमें से 90 लोग मर गए, कुछ लोग घायल हो गए, तो सरकार ने खाना पूर्ति करने के लिए क्या किया, मृतकों को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, घायलों को 2.5 लाख और मामूली घायलों को 50,000। यही होता है ना हमारे देश में, इंसान की डेथ होगी मतलब पैसे दे दो, वो यही होता है। तो मान लिया जाए नीतीश गवर्नमेंट ने, नीतीश कुमार जी की सरकार ने उस पीड़ित व्यक्ति को 5 लाख दिया, 10 लाख दिया, जो भी दिया वो दिया, उधर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया, हाँ भाई सुना तुम्हें 5 लाख मिला, 10 लाख मिला, चल टैक्स दे, कैसे लगेगा उसको? अरे कुछ इमोशंस वगैरह है कि नहीं, सेंसिटिविटी है कि नहीं, किसी के मरे हुए व्यक्ति के मुआवजे को तुम टैक्स कर रहे हो, सर मानी चाहिए तुम्हें, ऐसे कानून को सर मानी चाहिए। तो कानून कहता है यस आ रही है, तो आ रही है तो फिर अपने शर्म को बयान करो। बोला मैं अपनी सारी शर्मिंदगी चैप्टर 3 में बताऊंगा कि कहां कहां मुझे टैक्स लेने में शर्म आती है, यानी हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं, हम टैक्स नहीं करते। तो सर हमें ये जानना है। जी हां, क्यों जानना है? अरे भाई साहब, जब तक आपको ये नहीं पता कि कौन सी इनकम एग्जेम्प्टेड है, पता चलेगा एग्जेम्प्टेड को भी तुमने टोटल इनकम में जोड़ दिया, उस पर टैक्स निकाल दिया, टैक्स दे दिया, रिटर्न फाइल कर दी, एग्जेम्प्टेड इनकम पर टैक्स दे आए, रियल लाइफ में नहीं इवन एग्जाम में भी। तो ये हमें जानना है। जी हाँ, तो सर इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे? इसको जानने के लिए आप सेक्शन 10 से लेके 13B तक के प्रोविजंस पढ़ेंगे, सेक्शन 10 से लेके 13B तक, इसमें सारे वो प्रोविजंस हैं जहां टैक्स को कर से मुक्त रखा गया है। अब एक बात बताओ, हमारा एक जवान, हमारा एक फौजी देश के लिए शहीद हो गया, परमवीर चक्र अवार्ड मिला, वीर चक्र अवार्ड मिला, साथ में कुछ मुद्राएं मिली कैश, और आप फिर उसको कहो कि तुम्हारी इनकम होगी टैक्स दे दो, ये बहुत ही अमानवीय है। तो सरकार ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी ही नहीं बहुत सी ऐसी परिस्थितियां जो हम लोग पढ़ेंगे, इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 के अंदर कई हेड्स हैं। हेड्स क्या होते हैं सर? मतलब चैप्टर 4 को फर्दर हेड में डिवाइड किया गया है। एक है हेड ए, हेड बी, हेड सी,
हेड डी, हेड एच ई ए डी, हेड ई और हेड एफ कितने में है? छह है। इफेक्टिवली ये पांच है लेकिन मैं छह लिख रहा हूं, मैं बताऊंगा पांच कैसे हो गए, पहले छह लिख लो आप। पहला हेड सैलरी इनकम, मतलब ये आपकी इनकम सैलरी से होती है, वेतन से, वेतन समझते हैं सैलरी, तो उसकी कंप्यूटेशन कैसे करेंगे। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, पापा मेरे 55,000 रुपए महीने के लेके आते हैं, 55,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 हो गया सैलरी, निकल गई इनकम 12 महीने की। इतना आसान नहीं है, इस इनकम को निकालने के लिए आपको 13 लेक्चर इन्वेस्ट करने होंगे, 13 लेक्चर्स, ठीक है, 12 to 13, और पढ़ना होगा सेक्शन 15 से लेके 17 तक, 15 to 17, 15, 16, 17, सर तीन ही तो सेक्शन है, 13 लेक्चर, तीन सेक्शन 13 लेक्चर, हाँ तो देखन में छोटन लगत घाव करत गंभीर, छोटा देख करके अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा आप, इसके एक एक वर्ड की एनालिसिस पे एक क्लास निकल जाती है, तब जाके आप चार बातें सीखते हो, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये है सेक्शन 18 से लेके 21 तक, मैं थोड़ी देर बाद इसमें दोबारा आऊंगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सर मेरे पास ना सिक्योरिटीज है, शेयर्स है, डिवेंचर्स है, बॉन्ड्स है, सर उसमें मतलब इन शेयर में तो खैर इंटरेस्ट नहीं आता, डिवेंचर बॉन्ड्स वगैरह में आता है, सर डिवेंचर्स है, बॉन्ड्स है, उसमें मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, हाँ तो ठीक है वो आपकी इनकम यहां आएगी, ठीक है, उसको अलग से कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद है रेंटल इनकम, रेंटल इनकम मतलब इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टीज को कहते हैं हम लोग, रेंटल इनकम भी कह सकते हो और आप इसको कह सकते हो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 22 से लेके 27 तक, ओके। उसके बाद है डी में बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशनल इनकम, उसके बाद है कैपिटल गेन्स, अच्छा इसका सेक्शन में लिखा नहीं, पहले सेक्शन लिख देता हूं, सेक्शन 28 to 44 DB, और कैपिटल गेन के सेक्शंस है 45 से लेके 55 कैपिटल ए, और एफ में आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब जरा आपको समझने की जरूरत है कि ये हो क्या रहा है 56 to 59, पहले आप इसको नोट करें और जरा समझे मैं क्या कह रहा हूं। देखो जी, आपकी टोटल इनकम को 6 टुकड़े में बांटा गया, ठीक है, शुरू में, लेकिन बाद में ये वाला चैप्टर डिलीट कर दिया गया, ये वाला हेड, देखो मैं किसको डिलीट कर रहा हूं, इसको, ये डिलीट हो गया। मतलब लॉ मेकर्स ने कहा जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एक कैटेगरी बना रखे हैं तो एक इनकम, एक इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक हेड बनाने की जरूरत नहीं है, इसको इसके साथ मर्ज कर दो। मर्ज कर दो मतलब अब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी जो सेपरेट हेड में कंप्यूट होता था अब वो अदर सोर्स के हेड में कंप्यूट, उसके साथ मर्ज होगा। अब अपने पास कितने हेड बच गए, सर पांच, आपकी टोटल इनकम पांच हेड्स में डिवाइडेड है। अब देखो ना, जैसे आप कहेंगे, मैं आपसे कहूं, जैसे आपके पापा क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस इनकम, प्रैक्टिस मेडिकल प्रोफेशन है, इनके पापा होम्योपैथिक में डील करते हैं, मतलब होम्योपैथिक प्रैक्टिस है। आपका जॉब कहां, कहां पर, किस कंपनी में, अच्छा इनकी जॉब में, तो देखो मैं यहां एक बिजनेसमैन देख रहा हूं, एक प्रोफेशनल देख रहा हूं और एक सैलरी होल्डर फैमिली देख रहा हूं, ठीक है। हो सकता है जिनके पास बिजनेस इनकम है उसका सैलरी इनकम नहीं होगी, क्या तो बिजनेस करेगा तो नौकरी करेगा, और जो नौकरी करेगा वो बिजनेस नहीं करेगा, तो आपके पास हो सकता है इसके अलावा रेंटल इनकम हो, आपके पास कोई फ्लैट हो आपने किराए पर लगा दिया हो सकता है आपके पास सरप्लस मनी हो और आपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया हो, डिविडेंड की इनकम आ रही है, इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, या हो सकता है कि आपने कोई जमीन खरीदी थी, फ्लैट खरीदा था, सोना गोल्ड
डिवेंचर वो आपने बेच दिया हो, तो कहने मतलब आपकी इनकम कई तरह की हो सकती है। और इस कई तरह की इनकम को 5 कैटेगरी में बांटा गया। पहला सैलरी, सैलरी हेड में सैलरी इनकम। दूसरा हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली रेंटल इनकम, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली रेंटल इनकम, या फिर बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाली इनकम, या फिर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब संपत्तियों के खरीदने और बेचने, बेचने से होने वाली इनकम। और जो इन चारों में नहीं है वो सब रेसिडुअल कहां चला गया? अदर सोर्स में। बाकी सारी इनकम जो मैंने, सैलरी इनकम नहीं है, रेंटल इनकम नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है, और संपत्ति के बेचने से इनकम नहीं हो रही, और इसके अलावा कुछ हो रहा है, तो सब अदर सोर्स में। तो 5 हेड की इनकम अलग अलग कंप्यूट करना है। अब आप कहो सर ये क्या बकवास है सर, बोले क्यों सर, हमें टोटल इनकम निकालना है ना। हाँ, तो ये 5 अलग अलग पहले निकालेंगे, फिर 5ों को जोड़ेंगे, सारी इनकम एक साथ ही निकाल देते हैं ना, अलग अलग करने की क्या जरूरत है? बात तो आपकी सही है। इफ टोटल इनकम हैज टू बी टैक्स, देन व्हाट इज द नीड टू कंप्यूट द इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स? भाई देखो ऐसा है, खाना जब खाते हो, माता जी जब, मम्मी आपको खाना देती है थाली में, चावल है, दाल है, भरता है, सब्जी है, रायता है, पापड़ है, अचार है, सब अलग अलग देती है, जाना तो पेट में ही है, तो अलग अलग क्यों? एक पतीले में डालो सबको, यूं पेस्ट बनाओ और चम्मच डाल खा लो। सर उससे क्या होगा, इंडिविजुअल आइटम का स्वाद नहीं पता चलेगा, एम आई राइट? इंडिविजुअल आइटम का स्वाद नहीं पता चलेगा। तो गवर्नमेंट भी कहती है कि हमें भी इंडिविजुअल टेस्ट चाहिए। हम चाहते हैं इस देश में कितने लोग हैं जो सैलरी इनकम पे टैक्स दे रहे हैं। जब तक आप उसे अलग से नहीं दिखाओगे हमें पता कैसे चलेगा। बिजनेस असेसी कितने हैं, जब तक आप उसे अलग से कंप्यूट नहीं करोगे कैसे पता चलेगा? गवर्नमेंट को डाटा एनालिसिस करनी पड़ती है, उनको भी अपने लॉ बनाने पड़ते हैं, उसी हिसाब से सारी चीजें चेंज करनी पड़ती है। तो इसीलिए हम 5 हेड में अलग अलग कंप्यूट करते हैं। बस मैं इसको वाइंड अप ही कर रहा हूं बहुत जल्दी। तो चैप्टर 4 में हम 5 हेड पढ़ेंगे जी, हर हेड की कंप्यूटेशन करना सीखेंगे इंडिविजुअली, यस, और उसके बाद हम फिर उसको एग्रीगेट करके टोटल इनकम निकालेंगे। लेकिन कैसे निकलेगा आगे देखते हैं। इसके बाद आता है चैप्टर 5, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हेड है, इसका टाइटल है क्लबिंग ऑफ इनकम। सर क्लबिंग का मतलब क्या होता है? क्लब में जाना? जी नहीं, क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब होता है जोड़ना, मतलब किसी की इनकम किसी में जोड़ना। ये क्या बकवास है सर, किसी की इनकम किसी में जोड़ना? एक्स की इनकम वाई में कैसे जोड़ दें? एक्स की इनकम एक्स टैक्स देगा, डायरेक्ट टैक्स है, वाई में क्यों जोड़ दें? वो जोड़ना पड़ता है कुछ परिस्थितियों में। सर वो क्या परिस्थिति हो सकती है, वो क्या सिचुएशन हो सकती है? अब सिचुएशन तो क्या हो सकती है, मिस्टर एक्स मिसेस एक्स, मिस्टर एक्स मिसेस एक्स दोनों इंडिविजुअल हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, भाई साहब के पास डिवेंचर है, इनके पास डिवेंचर है, कितने के? 30 लाख रुपए के, 30 लाख वैल्यू के डिवेंचर है, और इंटरेस्ट कितना आता है? 10%, ये मान लीजिए 7.5%, ये आप कैसे लोगे, आप ठीक है 10% ले लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो 10% इनके इंटरेस्ट की इनकम आती है 3 लाख रुपया। कहां टैक्स होगा? सैलरी में नहीं, बिजनेस प्रोफेशन नहीं, ये अदर सोर्स में जाएगा, ठीक है। और इसके पास अदर इनकम भी है, मैं नाम नहीं, कैटेगरी में नहीं जा रहा हूं, अदर इनकम भी है इनके पास, कितना मान लिया जाए? 12 लाख, इसके पास 12 लाख की इनकम है, कुल इनकम इसकी है 15 लाख। अब कुछ बातें जो मैंने आपको अब तक नहीं बताई, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, और अभी भी नहीं बताऊंगा डिटेल में, वो ये, आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर होती है तो आप टैक्स के नेट में आते हो, और अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक है तो 2.5 से 5 वाली इनकम पर टैक्स का रेट है 5%, और 5 लाख से भी ऊपर है 10 लाख तक है, यानी 5 से 10 तक के बीच वाली जो इनकम है उस पर टैक्स का रेट है 20%, 5% से सीधे 20%, और अगर आपकी इनकम 10 लाख से भी ज्यादा है तो आपका टैक्स का रेट है 30%। सर और भी रेट है, बहुत से रेट है, समय आएगा, क्लास स्टार्ट होगी तो हम आपको बताएंगे। तो सर ये क्या था, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से लेकर 5 तक 5%, 5 से लेकर 10 तक 20%, 10 से ऊपर 30%, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड
प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स का रेट भी। और एक होता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव का मतलब इनकम चाहे इतनी हो चाहे इतनी हो चाहे इतनी हो, टैक्स का रेट सेम। तो हम क्या दोनों पढ़ेंगे? जी हां, आप रिग्रेसिव रेट के भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे और प्रोग्रेसिव का भी पढ़ेंगे, ठीक है? आएगा वक्त, बताया जाएगा। अब देखो इस भाई साहब का क्या सीन है। जब भैया की टोटल इनकम मिस्टर एक्स की 15 लाख है, तो आप भी इसी को समझ रहे हैं ना कि 10 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% का टैक्स है, और 10 लाख से ऊपर का इनकम कितना है? 5 लाख। 5 लाख का 30% कितना हुआ? 1.5 लाख। तो इसका, मैं सिर्फ ऊपर की बात करता हूं, तो इसका टैक्स खाली वो वाला पॉट, मैं पूरा टैक्स नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि पूरा टैक्स निकालना भी आपको सिखाया नहीं मैंने। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि 10 लाख से ऊपर टैक्स का रेट 30% है किसी इंडिविजुअल के लिए। तो टैक्स कितना बन जाएगा 5 लाख पे? 30%, 1,50,000, ठीक है जी। ये इसकी सिचुएशन है। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी टैक्स 1,50 ही बना है, अभी और भी इसमें टैक्स जुड़ेगा। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5%, और 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का 20%, वो भी एड होना है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ ऐसे टैक्स निकाला। अब सुनो ये क्या चाहता है, दिमाग इसका क्या कर रहा है। ये इसने क्या किया, अपनी मैरिज एनिवर्सरी में, मैरिज एनिवर्सरी में इसने अपनी वाइफ को 30 लाख रुपए का बॉन्ड गिफ्ट में कर दिया, गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट गिफ्ट कर दिया, बॉन्ड गिफ्ट कर दिया। जी हां, 30 लाख का बॉन्ड गिफ्ट कर दिया। सर ऐसे कैसे कर दिया? भाई उसकी वाइफ है, कैन यू स्टॉप हिम? उसकी मर्जी, वो खुद को गिफ्ट कर दे, आप नहीं रोक सकते। लेकिन सर उससे गड़बड़ हो रही है क्या? सर जब डिवेंचर गया यानी मुर्गी गई तो अंडा भी तो जाएगा। मतलब जो डिवेंचर कल तक एक्स के पास था, तो उससे आने वाला ब्याज भी एक्स के हाथ में टैक्सेबल था। तो सर अब मुर्गी गई अंडा गया, ठीक है, तो अब ये 3 लाख का इंटरेस्ट इनकम तो उसकी वाइफ के पास आएगा ना। हाँ, और सर वाइफ की अदर इनकम नील है, बस 3 ही लाख है, बस ये जो अंडे की इनकम है ना, जो इंटरेस्ट की, बस यही इनकम है। तो अब देखो क्या होगा सीन, 2.5 लाख तक टैक्स नहीं, 2.5 लाख से ऊपर 50,000 का 5%, 2,500, ठीक है, 2,500, 3 लाख में से 2.5 लाख पे टैक्स नहीं, और 50,000 5%, 2,500। यानी गवर्नमेंट को जहां 1.5 लाख रुपए टैक्स मिल रहे थे जिस इनकम पर, अब उससे गवर्नमेंट को कितने मिल रहे हैं? सिर्फ, और भी बातें हैं बाद में करेंगे समय आने पर, अभी तो हम सिलेबस की डिस्कशन कर रहे हैं, हम कोई पढ़ थोड़ी रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब गवर्नमेंट कह रही है, अरे यार इसने तो चूना लगा दिया हमें, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी वाइफ है, और वाइफ को इसने गिफ्ट कर दिया। अब वाइफ जो है वो खुश हो रही है, जैसे उसको गिफ्ट मिला स्टार्टेड टू अप्रेज हिज हस्बैंड, हर हस्बैंड, आई एम सो लकी, आई गॉट सच ए केयरिंग एंड लविंग हस्बैंड, एंड स्टार्टेड शेयरिंग दिस मोमेंट एंड जॉयस विद ऑल अदर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। खूब खुश, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये दिया वो दिया। मूर्ख औरत, नोबडी इज लविंग एंड केयरिंग अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट ब्लडी टैक्स प्लानिंग। आम के आम, गुठलियों के दाम, गिफ्ट हो गया, वाइफ भी खुश हो गई, और टैक्स कितना बच गया? 1,47,500। अब इस तरह से जितने भी वाइफ वाले लोग हैं सरकार को चुना लगा देंगे। सरकार ने कहा कि देख भैया मिस्टर हस्बैंड, अपनी वाइफ को अगर तुमने कोई भी ऐसी वैसी चीज विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट किया, तो उससे होने वाली इनकम तेरे में ही जोड़ी जाएगी, तेरे में ही जोड़ी जाएगी। अब वही इनकम अगर इधर जुड़ेगी तो 30% टैक्स होगा। लेकिन सर इनकम तो वाइफ की है ना? एग्री, करेक्ट, इनकम वाइफ की है, तो फिर हस्बैंड में क्यों जोड़ा जा रहा है? तो लॉ में यही कहा गया, क्योंकि गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। वो ये नहीं कह रहा गिफ्ट मत दो, वो ये कह रहा कि जो टैक्स तुम दे रहे थे तुम ही दोगे टैक्स, यानी वो इनकम जाएगी वाइफ के हाथ में, लेकिन ऐड होगी, क्लब होगी तेरे टोटल इनकम में। तो सर ऐसे कौन कौन से सिचुएशन है जहां पर किसी की इनकम किसी में क्लब हो जाती है? तो ये सारी सिचुएशन चैप्टर 5 में है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, जो भी है लेकिन वही है। तो चैप्टर 5 में क्लबिंग ऑफ इनकम में सेक्शन आपको पढ़ने हैं 62, 65, 62, 65,
65, इस 5-6 सेक्शन में सारी सिचुएशन है। ओके, तो सर अब देखा जाए तो किसी व्यक्ति की टोटल इनकम क्या हुई, टोटल इनकम उसकी हो गई चैप्टर 4 प्लस 5 इफ एनी, यानी अगर कोई मेरी इनकम निकालोगे तो इस 5 हेड की मेरी इनकम निकालोगे, हो सकता है 5 हेड में मेरे पास 5 हेड की इनकम हो सकता है मेरे पास 4 हेड की इनकम हो, मेरे पास 2 हेड की हो, 3 हेड की हो, एक ही हेड की इनकम हो, लेकिन मेरी इनकम तो इसी में निकली 5 हेड में। प्लस ऐसी इनकम को मेरे में जोड़ दी जाएगी जो क्लबिंग होने वाली है एज पर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 5, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तो मेरी टोटल इनकम क्या होगी, चैप्टर 4 प्लस, हम टोटल इनकम की तरफ बढ़ रहे हैं इनडायरेक्टली, देखा जाए तो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम अपना टारगेट भी सेट कर रहे हैं। सर मान लिया जाए इस 5 हेड में से किसी हेड में लॉस हो गया, हां क्यों नहीं होगा, बिजनेस में लॉस हो गया, संपत्ति बेचने में लॉस हो गया, तो सर लॉस वाली इनकम जिस हेड में लॉस है वो दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, हां हो सकता है, क्योंकि हमारे यहां प्रोविजन इंडिविजुअल हेड वाइज इनकम को टैक्स नहीं करना है, टोटल इनकम को टैक्स करना है। तो टोटल में क्या होगा, जैसे मान लिया जाए आपकी बिजनेस इनकम 20 लाख और हाउस प्रॉपर्टी से आपको लॉस हो गया, सपोज आपको लॉस हो गया हाउस प्रॉपर्टी से 4 लाख, तो आपकी इनकम ली जाएगी 16 लाख ही इनकम ली जाएगी, यानी सर इनकम लॉस सेट ऑफ होता है, यस होता है। तो सर सेट ऑफ के क्या क्या प्रोविजन है, सर क्या कोई भी इनकम किसी से सेट ऑफ हो जाएगा, और नहीं हो पाया तो क्या वो नेक्स्ट ईयर में हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर में कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर की इनकम में सेट ऑफ करने के लिए, तो फ्यूचर में मैं कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, इन सब का जवाब है चैप्टर 6। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस सेक्टर सेक्शन 70-80, 70 से लेकर 80 तक में ये सारी बातें बताई गई हैं कि कौन से हेड का लॉस किससे सेट ऑफ हो सकता है, किससे नहीं हो सकता है, हो सकता है तो कितना हो सकता है, ये सारी बात यहां पढ़ेंगे हम। तो अब सर हमारा टोटल इनकम क्या हो रहा है, तो चैप्टर 4 प्लस 5 माइनस 6, लॉस सेट ऑफ होगा तो माइनस होगा ना, लॉस तो माइनस होगा ना, तो 4 प्लस 5 माइनस 6। सर मैंने तो निकाल लिया अपना टोटल इनकम, क्या निकाला, टोटल इनकम आपने निकाला चैप्टर 4 प्लस 5 माइनस 6 कितना आ गया, सर देखो ना 12 लाख आ गया, सर 9 लाख आ गया, मतलब ये कैलकुलेशन मेरी 9 लाख आ गई, सर 18 लाख आ गया, 1.5 करोड़ आ गया, 5 करोड़ आ गया, चलो जो इनकम आना था आ गया, चैप्टर 4 में 5 हेड की इनकम, चैप्टर 5 में क्लबिंग वाली इनकम अगर है तो ऐड करो, नहीं है तो नहीं करेंगे, और चैप्टर 6 में लॉस का सेट ऑफ, अगर लॉस है तो सेट ऑफ करो, नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन सर ये टोटल जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का वैल्यू आ रहा मान लीजिए 12 लाख, हाँ तो चलो 12 लाख टैक्स निकालो, 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट, 2.5 से लेकर के 5 तक 5%, और 5 से लेकर 10 लाख तक 20%, और 20 से ऊपर 2 लाख बनते 30%। सर लेकिन टैक्स तो बहुत ज्यादा हो जाएगा सर, 5 लाख तक हो गया 12,500, और फिर 5 लाख का 20% हो जाएगा 1 लाख, और फिर ये 60,000 रुपये ऊपर के 2 लाख का, सर 12 लाख की टोटल इनकम पे मेरा टैक्स बन गया 1,72,500। अभी और भी टैक्स है बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना ही समझो, सर 1,12,500 में टैक्स दूं, हाँ दो ना, दो सर कुछ जुगाड़ हो जाए, जुगाड़ बोले तो सर मेरी इनकम को मैं टैक्स कम करना चाहता हूं, मतलब बेटा टैक्स तो कम तभी होगा जब इनकम कम होगी, तो सर इनकम को कम कर सकते हैं हम, क्या इनकम को हम कम कर सकते हैं, भाई देखो दो तरीके, या तो बेमानी कर लो, ठीक है, जिसको अवॉइडेंस ऑफ टैक्स कहते हैं, चीटिंग, आप अपनी इनकम दिखाओ ही मत, नहीं सर मेरी तो सारी इनकम बैंक अकाउंट के थ्रू हुई है, तो आप छुपा सकते नहीं, बैंक अकाउंट के थ्रू मतलब रिकॉर्ड में है ना, गवर्नमेंट देख लेगी, या तो इनकम कम करो गलत तरीके से, सर मैं गलत आदमी नहीं हूं आप मुझे गलत सलाह मत दीजिए, तो ठीक है सही तरीके से करो, तो सही तरीका क्या है इनकम कम करने का, तो सरकार कहती है देख भाई तुम चाहो तो अपनी इनकम कम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा हम करना होगा जैसा हम कहेंगे। सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है तुम अपनी कमाई में से कुछ पैसे सेव किए होगे ना 12 लाख में से, हाँ तुम FD ले लो,
हम 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन दे देंगे, तुम LIC के प्रीमियम पे कर दो, हम तुम्हें 1.5 लाख रुपए तक की दे देंगे। यानी उसने बता रखा कहां कहां कैसे इन्वेस्ट करोगे तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे, यानी आपकी 12 लाख में से उतनी इनकम कम कर देंगे। सर इसमें कहां कहां इन्वेस्ट करनी है, इसके क्या क्या तरीके हैं, या फिर इसमें कितनी तक की डिडक्शन मिलेगी, ये सारी बातें चैप्टर 6A में है। ये सारी बातें चैप्टर 6A में है। बस वी आर ऑलमोस्ट एट क्लोजर पॉइंट, आइए इसको देखते हैं कहां गया। ये आपके चैप्टर 6A में क्या है, डिडक्शन मतलब घटाना, डिडक्शंस कहां से, तो फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं GTI। सर ग्रॉस टोटल इनकम किसको कह रहे हो आप, चैप्टर 4+5-6 को हम कहते हैं GTI, चैप्टर 4+5-6 को हम कहते हैं GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। सर टोटल इनकम के आगे आपने ग्रॉस क्यों लगा दिया, क्योंकि इसमें अभी डिडक्शन बाकी है, डिडक्शन होने से ये हो जाएगा नेट टोटल इनकम या फिर सिंपली टोटल इनकम। तो वो टोटल इनकम जिसमें डिडक्शन चैप्टर 6A की नहीं दी गई है, अगर देने से पहले वो ग्रॉस है और देने के बाद वो नेट है या फिर टोटल इनकम है, तो सर ये कौन कौन सी डिडक्शन मिलेगी, कितने अमाउंट की मिलेगी, किस कंडीशन पे मिलेगी, ये तो हमें पता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल आपको पता नहीं है, तो सर हम कैसे पता करेंगे, तो इंतजार करेंगे आप और सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक कैपिटल में आपको ये प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे, चैप्टर 6A। तो सर हमारा सिलेबस, ये सिलेबस आपके सामने है, और ये सिलेबस नहीं है आपका, समझ लो पूरा कोर्स है, ये आने वाले समय का एक्शन प्लान है। और आपका टारगेट क्या है, आने वाले 55, 60, 65 क्लासेस में आप क्या करने वाले हैं, आपको एक ही चीज करना है, टोटल इनकम निकालना है। और सर टोटल इनकम का मतलब चैप्टर फोर का मतलब हेड्स ऑफ इनकम, फाइव हेड्स ऑफ इनकम, एक्सक्लूडिंग एग्जेम्प्टेड इनकम, इस 5 हेड की इनकम में एग्जेम्प्टेड इनकम शामिल नहीं होगी, एग्जेम्प्टेड इनकम अंडर चैप्टर 3, जो चैप्टर 3 में है, यानी चैप्टर 4 की 5 हेड की इनकम में उतनी इनकम आएगी जो एग्जेम्प्टेड नहीं है, एग्जेम्प्टेड नहीं है। चैप्टर 4 प्लस 5, सर 5 हम जानते हैं क्या है, सर क्लबिंग ऑफ इनकम, वाइफ की इनकम, माइनर बच्चे की इनकम, आगे चल के बताऊंगा, माइनर की इनकम पेरेंट्स में क्लब हो जाती है, वाइफ की इनकम हस्बैंड में हो जाती है अंडर सर्कमस्टांसेस, फिर माइनस सिक्स चैप्टर 4 प्लस 5 माइनस 6, सर माइनस 6 में क्या है, तो सेट ऑफ लॉसेस, और ये तीनों को अगर हम क्लब करते तो क्या हो जाता है, ये GTI, और GTI में से क्या लेस करेंगे, डिडक्शंस, और डिडक्शन आपकी है चैप्टर 6 ए, और इसको हम कहते हैं डिडक्शंस फ्रॉम GTI। ये आपका टारगेट, आने वाले दिनों में आप इसी को अचीव करने की तैयारी करेंगे। इन शॉर्ट, अगर मैं शॉर्ट में इसको फिर से लिखूं, तो टोटल इनकम इज इक्वल टू चैप्टर 4 एक्सक्लूडिंग चैप्टर 3 प्लस 5 माइनस 6 माइनस 6A, ये टारगेट आपको, और यही आपका सिलेबस भी है, एक दो चैप्टर और है वो बाद में देखेंगे। ये देखो आप टारगेट, चैप्टर 4 प्लस 5 माइनस 6 माइनस 6 है, चैप्टर 4 5 हेड्स, चैप्टर 5 क्लबिंग, चैप्टर 6 सेट ऑफ लॉसेस,
सिक्स ए डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई, जीटीआई मतलब चैप्टर 4+5-6 में से जो लेस होगा, ठीक है। और एक्सक्लूडिंग थ्री, एक्सक्लूडिंग थ्री मैंने ऐसे लिख दिया कि एग्जेम्प्टेड इनकम को शामिल आपको नहीं करना है, ठीक है। और यही आपका टारगेट आने वाली क्लासेस में रहेगा। तो सर हम शुरू कहां से करेंगे? तो हम शुरुआत भी वहीं से करेंगे, बेसिक से, डेफिनेशन से। आपको पूरी क्लासेस रैंडमली आपको लैंड कहीं नहीं करवाऊंगा मैं, जो पढ़ोगे लॉजिक ही पढ़ोगे और एक फ्लो में पढ़ोगे, एक लाइन में पढ़ोगे, एक चेन में पढ़ोगे। ये नहीं कि रैंडम यहां उठाकर बैठा दिया, वहां बैठा दिया, क्योंकि मैं जो टैक्सेशन पढ़ाना चाहता हूं या मैं पढ़ाता आया हूं पिछले 20 ईयर से, 20+ हो गए मुझे, मैं बच्चों को हमेशा कमांड देने में बिलीव करता हूं। बच्चा मेरा मेहनती होगा तो वो तालाब में तैरे या समंदर में तैरे या स्विमिंग पूल में, वो कहीं भी तैरेगा। हम सिर्फ आपको स्विमिंग पूल के लिए ट्रेंड नहीं करेंगे, और बाकी हम लोग जो भी पढ़ेंगे सिस्टमेटिकली, लॉजिकली, विथ बैकग्राउंड मटेरियल, विथ लॉजिक, व्हाई दैट पर्टिकुलर लॉ इज देयर इन द एक्ट, क्यों लाया गया, कौन सा गवर्नमेंट लाया, कौन सी मिनिस्ट्री लाई, क्या सोच के लाई, अपन लोग सब कुछ टच करेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि हमारे को पूरा वेल सपोर्ट रहे लर्निंग का, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग सब्जेक्ट में आ जाएंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ यू, जय हिंद।